लास्ट हम साइनअप का कोड कर रहे थे, जितना कोड हम लिख चुके हैं हमने सिर्फ सर्वर पे ही कोड किया था, फ्रंट एंड पे हमने कोई कोड नहीं किया अभी तक। तो जितना कोड हम लास्ट कर चुके थे उसको ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम क्या कर चुके हैं वो। अच्छा, एक्सप्रेस इंपोर्ट किया हमने, पाथ हमने इंपोर्ट किया था लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हमें इसको स्क्रीन नहीं शेयर हुई भी। अच्छा, ये एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट कर लिया है, एक पाथ का हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि हम अपनी जो जो फ्रंट एंड की फाइल है उसको इसी सर्वर में होस्ट करेंगे, तो पाथ हमारे पास मौजूद है। ये नीचे वाला इसका वो नहीं है अभी, जो एक्चुअल होस्टिंग वाला है वो हम ऐड कर लेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, कोर्स भी हमने ऐड किया हुआ है। कोर्स अगर हम सेम सर्वर पर हमने अगर फ्रंट एंड होस्ट किया तो हमें इस कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन तो नहीं होती है तो हम इसको मैं रोक दूँगा, ठीक है। और जस्ट इन केस कभी अगर फ्रंट एंड अपना हम फायरबेस वगैरह होस्टिंग पे या नेटलीफाई होस्टिंग पे अगर करते हैं किसी थर्ड पार्टी स्टैटिक होस्टिंग पे, तो हम इस तरह करके कोर्स हमें इसमें लगाना होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये मौजूद है। अच्छा, सीक्रेट, एक टॉप सीक्रेट हम रखा हुआ है हमने ये JWT का, जो सीक्रेट कोड है जिसके ज़रिए सिग्नेचर किया जाएगा टोकन पर। अच्छा, एक्सप्रेस की ऐप यहाँ पे इनिशियलाइज़ हो गई है। पोर्ट हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल से उठा लिया, डेवलपमेंट हम 5001 पे कर रहे हैं। MongoDB का URI भी हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल से उठा लिया और डेवलपमेंट के लिए हमने यहाँ पे एक URI लगाया हुआ है। बॉडी पार्सर, कुकी पार्सर, ठीक है जी। अच्छा, ये कोई पुराना कोड हम शायद एडिट कर रहे हैं, तो उसमें प्रोडक्ट्स का एरे बना हुआ है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसको हम हटा देते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट स्कीमा, एक स्कीमा पहले से इस कोड में बना हुआ था जो लास्ट कोड हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट स्कीमा अभी तो यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, हम इसको बाद में मे बी हम यूज़ करें। अच्छा, ये यूज़र स्कीमा है, जब यूज़र हमारा साइनअप होगा तो एक्चुअली वो भी एक, जैसे प्रोडक्ट में हम क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म किया था हमने कि भाई क्रिएट अ प्रोडक्ट किया था, तो ये यूज़र स्कीमा में सेम उसी तरीके से हमारा यूज़र क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो यूज़र का क्रिएट होना है इज़ कॉल्ड साइनअप। अच्छा, उसके बाद हमारी ये एक्चुअल साइनअप की API है और लॉगिन की API भी हमने बना ली थी लास्ट क्लास में ही, लेकिन इसको हमने समझा नहीं था, एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने इसको। तो साइनअप की API में सबसे पहले वैलिडेशन है कि बॉडी में ये चार चीज़ें चाहिए, अगर ये चार चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो हमने यहीं से वापस इसको घर भेज दिया। अच्छा, और अगर ये वैलिडेशन का चेक पास कर लेता है तो हम उसके बाद क्या चेक करते हैं कि भाई इफ़ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ईमेल के ज़रिए हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये यूज़र पहले से मौजूद है डेटाबेस में। तो हम चेक करते हैं कि भाई इफ़ यूज़र इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहीं से उसको 400 बोल के वापस भेजते हैं हम कि भाई 400 है, ये अलाउ नहीं है, ये यूज़र पहले से मौजूद है। वेल, इसमें शायद 400 अप्रोप्रिएट स्टेटस कोड नहीं है, लेकिन खैर 400 एक जनरल कोड है कि भाई बैड डेटा क्या, लाइट ये वाली। अच्छा, तो अगर तो यूज़र मौजूद है तो हम यहीं से उसको रिटर्न करवा देते हैं, अगर यूज़र मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है साइनअप किया जा सकता है। और इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग टू हैश करके मेरे पास एक फंक्शन है, उसके ज़रिए मैं, अच्छा ये स्ट्रिंग टू हैश क्या चीज़ है ये भी ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। ये एक लाइब्रेरी है, अगर मैं उसको, ये ऊपर मैंने रिक्वायर किया हुआ है लाइब्रेरी में से, अच्छा नहीं किया हुआ है। अच्छा, ये कोड हमने एक्चुअली चला कर नहीं देखा था, हम ब्लाइंडली लिख रहे थे तो इसलिए इसने एरर नहीं दिया, अदरवाइज ये एरर देता मुझे, ठीक है। तो मैं ये लाइब्रेरी आपको बता देता हूँ कौन सी है, बिक्रिप्ट NG, सही, ये बचपन में एक लाइब्रेरी लिखी थी मैंने। एक्चुअल में ये एक लाइब्रेरी तो ये है, लेकिन फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाई गई है ये लाइब्रेरी, ये जो है रैपर है, ओरिजिनल लाइब्रेरी जो थी उसके ऊपर रैपर है ये। तो ये लाइब्रेरी कैसे यूज़ होती है देख लो ज़रा, इम्पोर्ट हो सकते हैं इसमें से 3 अदद, ये फंक्शन है जो इसमें से आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने पास। अच्छा, नंबर 1 फंक्शन जो है वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग को हैश बनाने का काम करता है। तो आप उसको स्ट्रिंग देते हैं ऐसे करके, ठीक है, पाकिस्तान दिया मैंने, और देन के अंदर आपको उसने क्या दे दिया, एक स्ट्रिंग ही रिटर्न किया, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, इस ओरिजिनल स्ट्रिंग का हैश होगा वो, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई हैश कर सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई हैश में आपने क्या करना है, ओरिजिनल पासवर्ड या ओरिजिनल स्ट्रिंग और उसका हैश, ये 2 चीज़ें आप पास करते हैं और आप लगाते हैं फिर डॉट देन,
डॉट देन है ना इसमें, ये असल में यहाँ पे कोड, हाँ ये लास्ट में डॉट देन लगाया मैंने, और डॉट देन में आपको रिजल्ट मिलता है, और ये रिजल्ट किस टाइप का होता है, ये रिजल्ट होता है बूलियन टाइप का, ठीक है। अगर ये ओरिजिनल पासवर्ड और ये हैश सेम है तो ये ट्रू दे देगा, अदरवाइज ये फॉल्स दे देगा। तो मैंने कहा भाई इफ रिजल्ट इज ट्रू तो मैच लगा दो, अदरवाइज नॉट मैच लगा दो इसमें, ठीक है। इसमें अगर किसी किस्म का कोई एरर आता है तो ये कैच भी आपको मिलता है इसमें। अच्छा, उसके अलावा वैलिडेट हैश है, क्योंकि जो बिक्रिप्ट का हैश जनरेट होता है ना उसका एक ख़ास पैटर्न होता है, हर हैश का या हर टोकन का एक ख़ास पैटर्न होता है, जैसे कि हमने JWT में देखा था भाई तीन पार्ट है उसके लाइक दैट, तो इसका भी एक ख़ास पैटर्न होता है। तो अगर आपको कहीं से हैश मिला है और आप ये चेक करना चाहते हैं कि बिक्रिप्ट का ही हैश है या कुछ और ये ऐसे ही रैंडम किसी ने दे दिया, तो उसके लिए एक वैलिडेट हैश का भी फंक्शन है। हमारे कोड में जो साइनअप लॉगिन का है उसमें शायद हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जस्ट इन केस कभी अगर ऐसी ज़रूरत पेश आती है कि हम चेक करना चाह रहे हो कि ये रैंडम स्ट्रिंग तो नहीं है या ये एक्चुअल में बिक्रिप्ट का हैश है, तो हम इस फंक्शन के ज़रिए ट्रू फॉल्स ले सकते हैं, ठीक है। और इसको अच्छा ES6 के अंदर इसका जो यूजेज है वो कुछ इस तरह से था, ES5 में इसको रिक्वायर वाले सिंटैक्स पे भी ये चल जाता है। ये तो पुरानी बात हो गई है तो हमें इसकी करने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये एसिंग का वेट के साथ भी चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जिस चीज़ पे आप डॉट देन लगा सकते हैं उसको आप एसिंग का वेट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, npm install bcrypt-ng, तो ये मैं लिख के क्या करता हूँ अपने सर्वर के कोड में इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm i। ठीक हो गया, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, ये जिस लाइब्रेरी के ऊपर रैपर लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सी है, ठीक है। ये bcrypt-node.js करके एक लाइब्रेरी है, इसके ऊपर ये रैपर लिखा हुआ है। तो इस लाइब्रेरी के अंदर जब मैं जाता हूँ तो ये बता रहे क्या है कि दिस लाइब्रेरी हैज़ बिन डेप्रिशिएटेड, ठीक है, नो लॉन्गर एक्टिवली मेंटेन्ड, कि जो जिस बंदे ने ये लाइब्रेरी बनाई थी वो इसको मेंटेन नहीं कर रहा है, वो छोड़ के चला गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो हैश क्रिएट होता है वो एक्चुअली 2-3 स्टेप्स के अंदर होता है, तो थोड़ी सी ये लाइब्रेरी क्या कहते हैं मुश्किल है फ़ौरन से यूज़ करने के लिए। अच्छा, और जो ये जावास्क्रिप्ट में लिखी गई लाइब्रेरी है, अच्छा जो रेकमेंडेड है ना प्रोडक्शन के लिए, वो लाइब्रेरी भी मैं आपको बता देता हूँ वो इस केस में वो कौन सी वाली है, उसका नाम है सिर्फ बिक्रिप्ट, ठीक है। ये है वो लाइब्रेरी जो रेकमेंडेड है, ठीक है, सिर्फ बिक्रिप्ट नाम है इसका, और इसकी डिपेंडेंसीज में हम देख लेते हैं कौन सा वाला है, ठीक है। तो ये जो लाइब्रेरी है ना ये फ्रॉम स्क्रैच लिखी है, जिसकी भी लाइब्रेरी है उसी ने खुद लिखी हुई, जो मेरी वाली है वो रैपर है किसी दूसरी लाइब्रेरी पर और वो उसको एक्टिवली मेंटेन नहीं किया जा रहा। बहुत ही सिंपल सा कोड है, उसको मेंटेनेंस की मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है, तो अगर आप मेरी वाली यूज़ करना चाहते हैं लाइब्रेरी दैट इज़ परफेक्टली फाइन, वो चलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म की का कोई केस है, कोई सेंसिटिव जगह है और कोई प्रोडक्शन सेंसिटिव चीज़ है, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे आप ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करें। अच्छा, इस लाइब्रेरी का एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि इसकी डिपेंडेंसी के अंदर ना एक ये .gyp एक चीज़ है वो मौजूद है, ठीक है। तो विंडोज़ पे जब आप इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं तो आपको C++ के टूल्स वगैरह, कुछ विजुअल स्टूडियो के कुछ टूल्स वगैरह वो इंस्टॉल करने होते हैं, जो 8-10 GB या शायद पता नहीं 15 GB के हैं, तो वो काफ़ी पेनफुल प्रोसेस रहता है, ठीक है। अगर आप विंडोज़ पे डेवलपमेंट के दौरान अगर ये वाला यूज़ करते हैं तो काफ़ी पेनफुल प्रोसेस रहता है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैक और लिनक्स पे भी आपके पास C++ के कुछ टूल्स होते हैं वो इसको रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, फिर .gyp भी बीच में उसके अपने कुछ मसले मसाइल थे, अभी आई एम नॉट श्योर कि वो स्ट्रीमलाइन हो गए या नहीं हो गए। तो एक्चुअल लाइब्रेरी तो ये वाली है, इसके आपके गिटहब के स्टार्स वगैरह देखेंगे ना, जो किसी भी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने से पहले आप क्या देखते हैं, इसकी कम्युनिटी देखते हैं कि कितनी बड़ी है। तो इसकी जो कम्युनिटी है वो 6.7K स्टार्स इसके हैं जो लोगों ने इसको दिए हैं, और ये वो लोग हैं जो इसको डेवलप कर रहे हैं, 75 इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं टोटल, ठीक है। तो एक अच्छी लाइब्रेरी है ये। ऑन अदर हैंड जो ये वाली लाइब्रेरी है इसका अगर हम चेक करें तो इसके सिर्फ 2 ही कंट्रीब्यूटर हैं, और 10 साल पहले इसका
आखिरी वर्जन जो पब्लिश हुआ है वो 10 साल पहले हुआ था, ठीक है, और ये वाली जो लाइब्रेरी है ये 2 मंथ पहले इसका लेटेस्ट वर्जन आया है, ठीक है। अच्छा, 10 साल पहले आने का मतलब ये नहीं है कि मतलब 10 साल से उसने इस कोड में कोई चेंजेस नहीं किए, वही लिखा हुआ जो था, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोड चलना बंद हो गया, कोड चल रहा है, लेकिन बहुत सारी नई वाली जो चीज़ें हैं जैसे Node.js 18 में जो नए फीचर्स आए हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन आई हैं, वो इसके अंदर नहीं है। लेकिन स्टिल अगेन ये लाइब्रेरी इतनी छोटी है और इतना कम इसका थोड़ा सा कोड है कि इसको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। तो अच्छा, एक चीज़ और क्या मैं देखना चाह रहा था, हाँ, ये डाउनलोड्स जो है ना, इससे भी आपको पता चलता है कि कितने लोग इसको ओवर टाइम इसके डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक है। तो तकरीबन इसके 10 लाख डाउनलोड्स आ रहे हैं, ठीक है, और इसके जो डाउनलोड हैं वो तकरीबन 51,000 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइब्रेरी भी लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये लाइब्रेरी बिल्कुल लोगों ने छोड़ दी है यूज़ करना, और रीज़न मैंने आपको बता दिया दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो C++ के टूल्स क्यों चाहिए होते हैं, वो इसलिए चाहिए होते हैं कि ये बिक्रिप्ट का हैश जनरेट करते हुए ना नेटिव कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करता है, जो आपके प्रोसेसर से डायरेक्ट शायद ये बात करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए ना ये Node.js चाहिए होता है, ठीक है, Pre.js इस तरह की एक चीज़ है वो चाहिए होता है, ठीक है। ऑन अदर एंड अगर आप मेरी वाले रैपर पे आ जाएं तो ये 13 लोग इस्तेमाल करते हैं पर वीक इसको, ठीक है। तो आप चाहें तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, तीनों जो ऑप्शंस थे वो तीनों मैंने आपको बता दिए, ठीक हो गया जी। चलिए इसको बंद कर देते हैं, हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं वो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर चुका हूँ, और इसको अब मैंने क्या करना है, ऊपर यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना है, इम्पोर्ट। अच्छा, ये मैंने अपने लिए लिखी थी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती थी उसको 3-4 दफ़ा करने में, मैंने कहा यार चलो एक रैपर लिख दो, और मैंने क्या कहा इसमें, सजेशंस नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। वेल, अच्छा, सजेशंस नहीं दे रहा तो मैं यहाँ से देख के कर लेता हूँ। ये मेरे पास इम्पोर्ट का स्टेटमेंट है, ठीक है, वैलिडेट हैश की मुझे ज़रूरत नहीं है, बाकी दोनों की मुझे ज़रूरत है। अच्छा जी, तो हम और आगे चलते हैं, क्या हो रहा है इस कोड में ज़रा हम देखते चलते हैं साथ साथ। अच्छा जी, तो हम ये कर रहे थे कि स्ट्रिंग टू हैश, तो ये समझ में आ गया कि स्ट्रिंग से हैश में कन्वर्ट हो जाएगा आपका पासवर्ड। हम ये लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपने पासवर्ड को हैश में क्यों कन्वर्ट करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें, फिर जो बिक्रिप्ट की हैशिंग टेक्निक है और जो दूसरे और भी हैशिंग की टेक्निक है इनमें डिफरेंस क्या है आपस में, बिक्रिप्ट वाला ही हम पासवर्ड के लिए क्यों यूज़ करते हैं, ये हम पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। सब लोगों को क्लियर है ये बात, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अच्छा, डॉट देन पे मुझे ये हैश मिल गया और मैंने यूज़र डॉट क्रिएट करके अपना यूज़र नया क्रिएट कर दिया। ईमेल को मैंने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है डेटाबेस में रखवाने से पहले, ठीक हो गया। अच्छा, लोअर केस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या था, अच्छा यहाँ पे भी मुझे ना लोअर केस में कन्वर्ट करना था, ठीक है, ये एक चीज़ है। फाइंड वन में भी मैं क्या करूँगा, टू लोअर केस में करके फाइंड करूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने अपने ईमेल में अगर मलिक एडसेस बॉर्ग है तो स्मॉल एम से डेटाबेस अलग समझता है, और कैपिटल एम से अगर मलिक होगा तो डेटाबेस उसको अलग समझता है, ठीक है। तो मे भी ये वाला प्रॉब्लम इसमें हो जाए अगर मैं इसको, तो जब भी ईमेल आएगी मेरे पास तो मैं क्या करूँगा, या एक काम मैं और ये कर सकता हूँ कि टॉप पे ही मैं इसको बोलूँगा, टॉप पे नहीं एक्चुअली, यहाँ पर ये वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद मैं बोलूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है, मुझे वैलिडेशन कंप्लीट हो चुकी है, मुझे पता है कि ईमेल बॉडी में मौजूद है, और मैं क्या बोलूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल डॉट टू लोअर केस, सही है। तो इसी पॉइंट पे मैं इसको क्या कर दूंगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि आगे कहीं पर भी मैं बॉडी डॉट ईमेल उठाऊँ ना तो मुझे क्या मिले, मुझे लोअर केस ही मिले, मतलब लोअर केस पे ही सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे लोअर केस शायद अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। तो
जब भी यूज़र साइन अप होगा, ईमेल के अंदर आपको पता है कैपिटल और स्मॉल नहीं होता, सिर्फ एक ही केस होता है, ठीक है। मतलब जीमेल पे अगर आप कैपिटल एम से साइन अप करेंगे और स्मॉल एम से, तो वो बोलेगा कि ये पहले से है, कैपिटल स्मॉल नहीं होता इसमें। तो ईमेल सिर्फ लोअर केस में लिखी जाती है, तो इसीलिए मैं फाइंड करते हुए भी और साइन अप करते हुए भी उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ताकि बाद में इनकन्वीनियंस से बचा जा सके। पासवर्ड की जगह मैंने हैश लगा दिया, और बस इसको मैं मॉडल डॉट क्रिएट चलाता हूँ, तो मुझे रिजल्ट में इफ़ नॉट एरर तो मेरा डेटा सेव हो चुका है। तो यहाँ तक का कोड हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, वो हमने रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया उसको, और अब हम मूव करते हैं अपने लॉगिन की एपीआई की तरफ, जो कि हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था, हम सिर्फ साइन अप तक ही कर पाए थे। अच्छा, लॉगिन की जो एपीआई है उसमें हमारे पास ऑब्वियसली वैलिडेशन है। सबसे पहले मैंने कहा ईमेल और पासवर्ड, ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप आगे नहीं जा सकते। अच्छा, किसी ने मुझसे यहाँ पे ना इस पॉइंट पे सवाल किया था कि सर ये इसमें हम नॉट क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे अभी कमेंट से याद आ गया कि असल में ना ये नल चेक कहलाता है, ये जो नॉट हम लगा रहे हैं ना, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ ना कि भाई बॉडी डॉट ईमेल इक्वल्स इक्वल्स अगर अनडिफाइंड है, ठीक है, और बॉडी डॉट पासवर्ड इक्वल्स इक्वल्स अनडिफाइंड है, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये इसका एक डाउन साइड है ऐसा करने का, मतलब इस केस में वो भी सही चलेगा, क्योंकि बॉडी में अगर आपने नहीं रख के भेजा तो अनडिफाइंड है, ठीक है। लेकिन उसका डाउन साइड ये है कि अगर बंदे ने एम्प्टी स्ट्रिंग रख के भेज दिया, हेलो हेलो हेलो, माइक बंद हो गया, अच्छा, तो अगर बंदे ने एम्प्टी स्ट्रिंग रख के भेज दिया, तो वो अनडिफाइन वाले चेक में ना वो चीज़ उसके पकड़ में नहीं आएगी, ठीक है। या अगर नल आ गया उसके अंदर, अनडिफाइन की जगह नल रख के भेज दिया, क्योंकि यूज़र तो कुछ भी रख के भेज सकता है ना, या मिसाल के तौर पर ज़ीरो रख के भेज दिया, तो भी वो अनडिफाइन तो नहीं है, ठीक है। तो हमें कोई वैलिड स्ट्रिंग चाहिए। अच्छा, असूलन तो होना ये चाहिए कि यहाँ पे इफ़ में ना मैं बकायदा पैटर्न चेक करो इसका, कि भाई ये पैटर्न ईमेल का है या नहीं है, वो हम रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए चेक करते हैं, आप सब लोगों को पता है, जैसे फ्रंट एंड में होता है ना कि जब तक @ नहीं होता वो ईमेल समझता ही नहीं है उसको, तो ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन से बकायदा मैं ये चेक करूँ, ठीक है। फिर पासवर्ड में भी मैंने मिसाल के तौर पर बोला था कि भाई 6 कैरेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए, तो मैं बकायदा लेंथ इसकी चेक करूँगा, 6 कैरेक्टर है या नहीं है, सही है, लाइक दैट साइन अप के वक्त तो खास तौर पर ये मैं पूरा चेक करता हूँ। लेकिन फिलहाल मैंने मिनिमल वैलिडेशन लगाई है, तो इसमें ना नॉट लगाने का बेनिफिट ये है कि ना सिर्फ अनडिफाइंड बल्कि एम्प्टी स्ट्रिंग, फॉल्स, नल और NaN, इनमें से कोई भी एक होगा तो वो तमाम फॉल्सी वैल्यू को ये उसको काउंटर कर लेता है, ठीक है। तो इतनी मिनिमल वैलिडेशन जो है वो तो फ़र्ज़ है, लाजमी है, ठीक है। असूलन यहाँ पे और सोफिस्टिकेटेड वैलिडेशन होनी चाहिए थी। अच्छा भाई, तो ये वैलिडेशन हो गई, मुझे पता चल गया कि ईमेल में कुछ ना कुछ स्ट्रिंग वैल्यू है और पासवर्ड में कुछ ना कुछ स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अब मैं आगे क्या करता हूँ, मैंने कहा यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, एक ही होगा जाहिर है, एक ईमेल से बंदा, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि इस नाम से या इस ईमेल से कोई यूज़र है। मैंने कहा भाई ईमेल और बॉडी डॉट ईमेल, अच्छा यहाँ पे भी मुझे क्या करने की ज़रूरत है, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैंने कहा बॉडी डॉट ईमेल इक्वल्स टू बॉडी डॉट ईमेल डॉट टू लोअर केस, ठीक है, ताकि वो बंदा लोअर में लिखे या कैपिटल में लिखे या मिक्स फॉर्म में लिखे, उस इधर आके वो पहले लोअर केस में खुद ही हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने कहा कि यार ईमेल लाओ, ईमेल में बॉडी डॉट ईमेल करके जो है ना इसको ले जाओ और सर्च करके ढूंढ कर लाओ कि इससे कोई बंदा है या नहीं है। अच्छा, अब देखो MongoDB हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, वो बाकी सारा आप खुद से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन क्वेरी करना हम सीख चुके हैं अच्छी तरह, क्वेरी में तो कोई मसला नहीं होता, क्वेरी के अलग अलग ऑपरेटर्स भी बता चुका हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ है जो हमने पहले कवर नहीं की थी, दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन जो है आपका वो क्या होता है कि जब क्वेरी करके वो बंदा आएगा ना, यूज़र जब आएगा सामने से, तो क्या उस यूज़र की मुझे तमाम डिटेल्स चाहिए, ठीक है, क्या मुझे उस यूज़र की तमाम डिटेल्स चाहिए, या मुझे कुछ सेलेक्टेड डिटेल्स चाहिए,
अच्छा, इस केस में मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ईमेल ला दो, फर्स्ट नेम ला दो, लास्ट नेम ला दो, एज और पासवर्ड ला दो। ठीक है, एज तो मेरे पास है भी नहीं इधर ना, मैंने क्या रखा था, चार पैरामीटर्स रखे थे ना हमने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने कहा भाई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये चार चीज़ें मुझे चाहिए। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लास्ट नेम को हटा भी सकता हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट नेम को भी हटा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे तो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की ज़रूरत है, पासवर्ड में तो एक्चुअल पासवर्ड नहीं है, खैर हैश है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड कर दूँ तो मुझे क्या ला के देगा, वो तमाम डिटेल नहीं ला के देगा, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड लाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन। ये कौन सा होता है, फाइंड वन में पहला पैरामीटर ये ऑब्जेक्ट है, यानी क्वेरी का जो ऑब्जेक्ट है। सेकंड पैरामीटर में आप एक स्ट्रिंग देते हैं। अच्छा, प्रोजेक्शन को देने के ना दो तरीके हैं, एक तो ऐसे स्ट्रिंग में दे सकते हैं आप, दूसरा इसको आप जेसन ऑब्जेक्ट में भी दे सकते हैं। ठीक है, वो आप मोंगोस के डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप लिखेंगे कि प्रोजेक्शन कैसे होती है, बल्कि दिखा भी देता हूँ आपको मैं। तो वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि भाई वो प्रोजेक्शन जो है ना, फाइंड वन में होगा क्या भाई, इन्होंने ऐड भी लगा दिया, वाह वाह क्या बात है। सर्च करते हुए जो है ना वो आ रहा होता है, अब पता नहीं ये तो क्वेरीज में से उसने वो भी उड़ा दिया ना। अब फाइंड वन पे क्लिक करूँगा, ये डॉक्यूमेंटेशन ही गायब थी। अच्छा आ गई है, गुड, वापस आ गई है। देखो ये फाइंड वन है ना, फाइंड वन में ये क्वेरी दी है इसने और ये इसने प्रोजेक्शन दिए साथ में। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में दिए जैसे मैंने लिखा है वैसे ही इसने भी दिए। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने वो जेसन वाला तरीका भी बताया होगा, होपफुली। खैर अभी वो नज़र नहीं आ रहा कि वो प्रोजेक्शन वाला कैसे है, एक मिनट बैक करता हूँ मैं। किसी ने ये स्टैक ओवरफ्लो का ना क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो हाँ देखो यहाँ पे इसने जो तरीका बताया ना, यूज़र डॉट फाइंड लगाया इसने, और देखो पहला पैरामीटर क्वेरी दिया इसने और दूसरे में प्रोजेक्शन बताया। अच्छा, प्रोजेक्शन में ना आप दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेम इक्वल्स टू वन है ना, इसका मतलब है नेम लेकर आओ। अब मिसाल के तौर पर एक यूज़र है, उसमें 200 पैरामीटर्स हैं। यूज़र के अंदर ना सिर्फ ये चार पैरामीटर नहीं होते, कई सारे होते हैं, हज़ारों होते हैं। लास्ट लॉगिन कब हुआ, लास्ट एक्टिविटी कब हुआ, साइन अप की डेट क्या थी, अगर सस्पेंडेड तो नहीं है यूज़र, इस पर क्या क्या सैंक्शंस लगी हुई हैं, प्रीवियसली क्या क्या रिपोर्टें इस पर हो चुकी हैं, वो सारा यूज़र के ऑब्जेक्ट में आमतौर पर नज़र आ रहा होता है आपको ना। तो वो 200 चीज़ें हैं उसके अंदर यूज़र में। तो अब मुझे उसमें से क्या चाहिए, सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा नेम इक्वल टू वन, फोन इक्वल टू वन और स्टेटस इक्वल टू वन। तो ये तीन चीज़ें लेकर आओ, मैंने ये बोल दिया। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मुझे सारे 200 के 200 चाहिए, बस पासवर्ड हटा के, सही है, पासवर्ड नहीं चाहिए। तो मैं इसमें फिर क्या लिखूँगा, ये सब हटा के ना मैं लिखूँगा पासवर्ड इक्वल टू जीरो, कि पासवर्ड को जीरो कर दो, बाकी सब ले आओ। ठीक है, और दोनों को मिला के भी लिख सकते हैं जैसे इसने लिखा है कि भाई ये तीनों ले आओ, और ये पासवर्ड जीरो इसने एहतियातन लिखा है। ठीक है, पासवर्ड जीरो की जरूरत, अगर पासवर्ड जीरो नहीं लिखता मैं तो ये तीन आते, कुछ और आता ही नहीं, लेकिन पासवर्ड जीरो इसने एहतियातन लिखा है। ठीक है, तो ऐसे मिला के भी आप लिख सकते हैं। पासवर्ड सिर्फ जीरो लिखोगे तो बाकी जो बचा होगा सब आ जाएगा। अच्छा, अगर ये नेम करके लिखा है ना ऐसे वाला स्ट्रिंग में, तो इसमें क्या होता है, आप छोटा सा माइनस लगाते हैं, यानी नेम से पहले आप माइनस नेम लगाएंगे, माइनस एज लगाएंगे ना, तो इसका मतलब है वो नहीं लाना है। ठीक है, ये देखो इसने यहाँ पे लगा के बताया हुआ है, ये लाने वाला है, ये नहीं लाने वाला है माइनस के साथ। एक्चुअली माइनस का साइन है जो आपके कीबोर्ड में प्लस के पड़ोस में जो होता है, ये वो वाला है। तो ये प्रोजेक्शन हमने देख ली कि प्रोजेक्शन क्या चीज़ होती है। अच्छा, और उसके बाद ये आपका वही पुराना तरीका है कि भाई नॉट एरर है और डेटा मौजूद है, तो इसका मतलब है कि यूज़र मिल गया है। यूज़र जैसे ही मिल गया तो मैंने क्या किया, वेरीफाई हैश। ठीक है, वेरीफाई की स्पेलिंग मैंने लाइब्रेरी लिखते वक्त गलत लिखी थी, तो ये अभी तक गलत ही है। ठीक है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये मैंने बचपन में लिखी थी लाइब्रेरी,
तो स्पेलिंग्स उस वक्त भी वीक थी और अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने ये एक्सटेंशन डाला हुआ है, इसका नाम है क्या, सी स्पेल। तो इस तरह की घोर घटनाओं से बचने के लिए ये एक्सटेंशन मैंने बाद में डाल लिया ताकि इस तरह की कोई नौबत ना आए दोबारा। खैर बोलो। नहीं मतलब मेरे मैंने दोनों तरीके ऑप्शन बता दिए, दोनों ठीक है, दोनों ही ठीक है, कोई ऐसा मतलब फ़र्क नहीं है दोनों में। ठीक है तो ये लिखा मैं तो यही लिखा रहा हूँ, जैसा लगाना चाहूँ मैं वो भी लगा दूँ, दैट्स नहीं नहीं कोई फ़र्क नहीं है, ये लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं, दोनों अवेलेबल हैं। अच्छा ये जो MongoDB की अपनी लाइब्रेरी है ना उसमें एक ही तरीका है, मोंगोस में दो तरीके हैं। ठीक है अब पता नहीं शायद उन्होंने भी ये वाला दे दिया हो, क्योंकि MongoDB की जो खुद की लाइब्रेरी थी ना वो बहुत स्लोली अपडेट हुई है, अब जाके कहीं वो इस काबिल है शायद कि उस पर ना लोग उसको कंसिडर करना शुरू हो गए, वरना पहले लोग इसी पर ही काम करते थे सिर्फ मोंगोस में, अब उसको जाके कंसिडर करना शुरू हुए, लेकिन स्टिल हज़ारों प्रोजेक्ट में मोंगोस लगा हुआ है इस वक्त। ठीक है तो मोंगोस पढ़ने का बेनिफिट ये है कि अच्छा जो MongoDB की अपनी लाइब्रेरी है ना उसकी भी इंस्पिरेशन इसी से ही है, उसमें आप जब उसकी अपनी लाइब्रेरी देखेंगे ना, मैं दिखा देता हूँ आपको वो वाली भी, वो उसमें सारा यही है, MongoDB NPM लिखूँगा मैं तो उसकी खुद की भी एक लाइब्रेरी है, तो वो एग्जैक्टली यही सेम काम हो रहा है उसमें सारा। API docs अभी इसमें क्वेरी वगैरह कहीं पे नज़र आएगी ना तो ये कनेक्शन वगैरह सब कुछ हो रहा है, क्लाइंट डॉट कनेक्ट करके होता है इसके अंदर, और आपका क्वेरी लगाना ये कहाँ पे बता रहे हैं, ये देख रहे हो कलेक्शन डॉट फाइंड, और बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेरी लग रही है इसमें, और डॉट टू एरे करके बता रहे हैं क्योंकि फाइंड जो है वो हमेशा एरे रिटर्न करता है। ठीक है अपडेट वन, और अपडेट वन में भी सेम उसी तरीके से क्वेरी लग रही है। ठीक है डिलीट मैनी, तो ये सारा कुछ एक्चुअली ना सेम तरीके से ही हो रहा है दोनों लाइब्रेरी में, तो कोई इतना वो फर्क नहीं है इन दोनों में। ऑनर अलग है ऑब्वियसली, बिल्कुल अलग है। ये MongoDB जो है इसका ऑनर MongoDB खुद है, इन्होंने MongoDB वालों ने खुद लिखी है। अब रिपोजिटरी में इनके जाकर देखेंगे अगर ये स्टार वगैरह, तो ये 9.6K इसके स्टार है ना, इतने कम्युनिटीज़ की जो है वो 9.6K है। और अब अभी मोंगोस का भी देख लेते हैं, उसकी कम्युनिटी आई होप के काफ़ी बड़ी होगी इससे। ठीक है ये मोंगोस के गिटहब में आ गए तो इसका 25.1K है। ठीक है तो हमें इससे आइडिया हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और भी देखते हैं, बाई द वे सिर्फ स्टार से नहीं पता चलता, एक चीज़ और देखते हैं इशूज़ कि कितने इशू ओपन थे और कितने क्लोज हो चुके हैं। तो ये मोंगोस वालों के पास ना 9000 इशूज़ आए थे जो कि क्लोज कर चुके हैं, रिजॉल्व कर चुके हैं, और 200 इशू अभी भी ओपन है। और यही सेम चीज़ हम यहाँ आकर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने इशू का वही बंद किया हुआ है। नहीं यार ऐसा बंद हो सकता है क्या ये, आई डोंट थिंक सो कि ये बंद हो सकता है, पता नहीं इन्होंने बंद किया हुआ है या शायद मुझे ब्लॉक किया हुआ है। हाँ नहीं गिटहब में मैं बहुत सारी जगहों से ब्लॉक हूँ मैं। अरे बस कुछ ऐसी बातें कर देते हैं ना फिर वो बोलते हैं यार ये बंदा इसको ब्लॉक मारो, गूगल की बहुत सारी रिपोजिटरी से भी ब्लॉक हूँ। हाँ नहीं इन्होंने ये ना ये इन्होंने बंद किया हुआ है, ब्लॉक वाला चक्कर नहीं है ये। खैर चलो मोंगोस यूज़ कर रहे हैं हम फिलहाल के लिए। अच्छा तो हमने कहा भाई इफ़ यूज़र इज़ फाउंड, तो यूज़र फाउंड होने के बाद हमने क्या करना है, बॉडी डॉट पासवर्ड जो कि ओरिजिनल एक पासवर्ड है, और डेटा डॉट पासवर्ड यानी अभी जो डेटाबेस से ढूंढ कर लाए ये दिस वन इज़ हैश, तो इन दोनों को हम कॉम्पेयर कर रहे हैं। इज़ मैच ये इसमें मुझे ट्रू या फॉल्स मिलेगा, ट्रू का मतलब है कि पासवर्ड सही दिया है अभी जो मिला है यूज़र के पास से, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि इफ़ इज़ मैच। ठीक है यहाँ पे अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अब पासवर्ड मैच हो चुका है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये जो रिक्वेस्ट आई है ना लॉगिन की रिक्वेस्ट आई है इसको मैंने वापस भेजना है रिस्पॉन्स को, और वापस भेजते हुए क्या करना है मैंने टोकन एक साइन करके भेजना है,
JWD का टी का टोकन साइन करके भेजना है मैंने, ठीक है। अच्छा, इसको जैसे कल के क्लास में मैं वर्ड यूज़ कर रहा था ना कि टोकन बनाना इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट सेंटेंस, ठीक है। हम बोलेंगे कि हम टोकन साइन करके भेज रहे हैं, एक डिजिटल सिग्नेचर भेज रहे हैं हम साथ में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, JWT की लाइब्रेरी जो ऊपर मैंने इम्पोर्ट की हुई थी, ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। अगर मैं कहीं और ही ले गया, टॉप पे चलते हैं। ये है वो JWT की लाइब्रेरी जो मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट की हुई है, लास्ट में इंस्टॉल भी की थी, और ये इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर JWT.sign। अच्छा, JWT को साइन करते हुए मैंने क्या क्या चीज़ें भेजी हैं। नंबर एक बात, _ID data._ID। पहले तो मैंने ये भेजा है कि ये टोकन मैं किस यूज़र आईडी को इशू कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने यूज़र आईडी यहाँ पे क्यों रखी है, क्योंकि जब जब ये यूज़र वापस आएगा ना इस टोकन को लेकर, तो मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये यूज़र कौन है, मुझे टोकन के अंदर उसकी आईडी मिल रही होगी, और ये आईडी वो चेंज कर नहीं सकता, चेंज करेगा तो टोकन ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आईडी मैंने इसलिए यहाँ पे रखी है ताकि जब जब वो मेरे पास वापस आएगा ना कोई प्रोडक्ट ऐड करने, डिलीट करने, रिमूव करने, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा कि ये कौन यूज़र है, ठीक है। ज़रूरत पड़ती है कि चेक करने की, या मिसाल के तौर पे यूज़र आएगा, बोलेगा भाई गेट प्रोफाइल, बोलेगा मेरी प्रोफाइल मुझे दो, तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो तो खुद लॉगिन है ना, ये सेंस नहीं बनता कि मैं उससे यूज़र आईडी मांगूँ उसकी। तो मैं देखूँगा भाई अगर यूज़र आईडी साथ में लेकर नहीं आया तो इसका मतलब है ये अपनी प्रोफाइल मांग रहा है, तो मैं यहाँ से देख के बोलूँगा यार इस आईडी से प्रोफाइल उठाओ और भेज दो, तो ये आईडी मेरे लिए काफ़ी काम की रहेगी। सेम चीज़ ईमेल को लेकर है, ईमेल कहीं कहीं पे मुझे ईमेल की ज़रूरत पड़ सकती है आईडी की रिप्लेसमेंट में, तो मैं ईमेल भी रखवा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैंने लिखा IAT issue @, और मैंने क्या कहा, मैंने कहा math.floor और 1000 से मल्टीप्लाई करके -30, मैंने पता नहीं क्यों किया इसमें, वेल ठीक है, -30 करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, -30 में पता नहीं क्यों किया मैंने। अच्छा, इशू एड जो है ना, बाय द वे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी एक्सपायरेशन वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ये टोकन जैसे मैं रख रहा हूँ ना एग्जैक्टली ऐसे ही मुझे वापस मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने अपने ही कोई लॉजिक को सोच के किया होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अच्छा, तो एग्जाम्पल के तौर पर ये -30 मैंने क्यों किया था, मुझे याद आ गया, सही है। -30 मैंने इसलिए किया था कि issue@ में ना मैं एग्जैक्टली अभी का टाइम दे रहा हूँ इसको, राइट नाउ एग्जैक्टली अभी का टाइम दे रहा हूँ, तो ये टोकन इशू होते ही अगर अगले ही लम्हे ये टोकन मेरे पास वापस आ गया कोई प्रोडक्ट ऐड करने या कुछ करने, तो मे भी जो है वो क्या हो, रिजेक्ट हो जाए अगले ही लम्हे। तो उस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये 30 सेकंड पुराना टोकन है, ताकि अगले ही लम्हे भी अगर मेरे पास आ जाए, यानी सेकंड चेंज होना ज़रूरी है ना यार, मतलब मिसाल के तौर पर अभी 10:00 क्या अभी टाइम हो रहा है, अभी 9:52 31 सेकंड हो रहे हैं, तो 31 सेकंड ही अगर हो रहा है और अगले ही लम्हे मेरे पास आ गया 32 होने से पहले पहले अगर रिक्वेस्ट आएगा यही टोकन लेके, तो मे बी वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं तो ये चेक कर रहा हूँ ना कि करंट टाइम जो है वो इशू एड जो है वो करंट टाइम से लेकर और एक्सपायरी तक चेक कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने -30 शायद लगाया था, ठीक है। लेकिन स्टिल इसका ये जैसे मैं रख रहा हूँ ना एग्जैक्टली वैसे ही मुझे ये वापस मिलेगा। अच्छा, एक्सपायरी मैंने कब रखा है, एक्सपायरी भी मेरे लिए ही है ये, मैं ही इस एक्सपायरी को फिर बाद में देख रहा कि ये वाकई में एक्सपायर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, math.floor date.now 1000 से डिवाइड मारा है उसको मैंने, ठीक है। डिवाइड मारने से एक्चुअली क्या होता है, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं इसको, और उसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, सेकंड है मिसाल के तौर पे, मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये 1 आवर हो गया, 1 आवर में जितने सेकंड होते हैं उतने हो गए, और मल्टीप्लाई बाय 24 तो ये एक्चुअली 24 घंटे में जितने सेकंड होते हैं ना ये उतने बन रहे हैं, तो मैंने वो प्लस करवा दिया, अभी का टाइम उठाया और 24 घंटे में जितने सेकंड थे वो प्लस करवा के सेकंड में मैंने एक्सपायरी सेट करवा दी, ठीक हो गया। तो अच्छा, ये जो मैंने एक्सपायरी सेकंड में रखवाई है ना, इसको मैं मिली सेकंड में भी रखवा सकता हूँ, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ये मेरा अपना अपने लॉजिक से इसका ताल्लुक है,
कि मैं इसको किस पे रखवाना चाहता हूँ, मैं इसको सेकंड में रखवाना चाहता हूँ या मैं मिली सेकंड में रखवाना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में इसको मैंने ही डील करना है। अच्छा, और ये JWT.sign में ये पेलोड मेरा ये तैयार हो गया, इस पेलोड में कोई भी सेंसिटिव डेटा नहीं रखना है क्योंकि ये पेलोड पब्लिक होता है, कोई भी इसको देख सकता है, ठीक है। ये सीक्रेट जो है ये मेरे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स रूट क्या था, सेकंड पैरामीटर में मैंने सीक्रेट दे दिया, तो ये पूरे ने क्या रिटर्न कर दिया, एक साइन हुआ हुआ टोकन रिटर्न कर दिया। उस टोकन को मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करवाया, ठीक है, जो कि बैड प्रैक्टिस है। ये आपने डेवलपमेंट में कभी भी ये हरकत नहीं करनी है, ठीक है। इसको हमेशा इस कॉन्सोल को आपने रोक देना है कि जब भी कोई लॉगिन होता है उसका टोकन इधर प्रिंट हो, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। उससे नुकसान क्या होगा, ये एक वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी इस वजह से है कि अगर जाहिर है साइक्लिक पे चल रहा है ना मेरा सर्वर, तो यहाँ इस रूम से बैठ के किसी ने लॉगिन किया तो साइक्लिक पे क्या होगा, उसका टोकन प्रिंट हो जाएगा कि ये बंदा अभी अभी लॉगिन हुआ है, इसका टोकन ये है, तो अब वो टोकन वैलिड है अगले 24 घंटे तक। तो जो भी चाहे उस टोकन को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में डालेगा और यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये अपने प्रोडक्शन में ये काम नहीं करना। वैसे डेवलपमेंट में मैंने प्रिंट किया हुआ ताकि मुझे मैं देख सकूँ कि वो टोकन कैसा बना है, लेकिन प्रोडक्शन में आपने ये काम कभी भी नहीं करना। वेल, अब वो टोकन तो बन के तैयार हो गया है, अब मैंने करना क्या है, मैंने करना है response.cookie। अच्छा, ये response.cookie कहाँ से मैंने देखा, ये मैंने एक्सप्रेस JS की डॉक्यूमेंटेशन से देखा। जैसे response.send है, response.status है, response.send file है, इसी तरह response.cookie है। response.cookie में मैंने, अच्छा, कुकी का ना एक टाइटल होता है और एक उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। टाइटल भी स्ट्रिंग में होता है, वैल्यू भी स्ट्रिंग में होता है, मतलब ये भी स्ट्रिंग होगा, ये भी स्ट्रिंग होगा, ठीक हो गया। तो ये दोनों स्ट्रिंग होंगे, स्ट्रिंग के अलावा इसमें आप कोई और चीज़ नहीं रखवा सकते, नंबर भी है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा वो। उसके बाद ये जो थर्ड जो है ना आपके पास ऑप्शन जो है, ये इसके ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शन है इसके अंदर नंबर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, HTTP ओनली को मैंने ट्रू करवाया। HTTP ओनली ट्रू करने से, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना, कुकी दो तरह की होती है, एक HTTP वाली और एक सादा वाली। सादा वाली सिक्योर नहीं है, ये वाली सिक्योर है, ठीक है। HTTP ओनली करके मैंने ट्रू कर दिया, तो इस कुकी में जो भी चीज़ रखी हुई होगी वो JavaScript से एक्सेसिबल नहीं होती है, ठीक है। वो ब्राउज़र के अंदर किसी जगह पर स्टोर होती है और हर आने जाने वाले रिक्वेस्ट के साथ वो चपक के आती जाती है खुद ही। अच्छा, उसके लिए भी हमें एक ऑप्शन क्लिक करना होता है एक्सियोस में, वो हम देखेंगे जी। हाँ, ये सीक्रेट जो है ना, मैं लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट क्लास में थे तुम, नहीं थे ना तो वो वीडियो में देख लेना, डिटेल में डिस्कस किया मैंने कि ये जो टोकन है ना JWT का, ये बनता है, इसके तीन पार्ट होते हैं इस टोकन के। पहला पार्ट क्या होता है, सेकेंड पार्ट क्या होता है, थर्ड पार्ट क्या होता है, ठीक है। फिर बीच वाला जो पार्ट है वो पेलोड होता है, फिर थर्ड वाला जो पार्ट है वो हैश होता है, और ये सीक्रेट और पेलोड का वो मिला के वो हैश बनाते हैं, तो थर्ड वाला पार्ट बनता है। तो ये पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया था, वो तुम देख लेना, उसमें और भी चीज़ें जो ज़रूरी हैं जानना तुम्हारे लिए, ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने कहा response.cookies और कुकी का टाइटल और कुकी की वैल्यू। अच्छा, जिस नाम से मैं रखवाऊँगा कुकी, हर दफ़ा जब वापस आएगा यूज़र मेरा तो उसी नाम से ही लेकर आएगा, ठीक है। साथ में मैंने HTTP ओनली ट्रू करवा दिया। उसके अलावा एक है मेरे पास मैक्स एज। मैक्स एज के अंदर ना, ये मैक्स एज बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है और इसको आपने बहुत तवज्जो देनी है इसके ऊपर, क्योंकि यही वो वैल्यू है जिससे आपका सेशन एक्सपायर होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैक्स एज आपको सेकेंड्स में देना होता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड्स में देने का देखो एक थोड़ा यूनिक सा तरीका लग रहा होगा। JavaScript के अंदर ये जो अंडरस्कोर होता है ये क्या होता है, कोई बता सकता है? नंबर के दरमियान में अगर मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ तो क्या इसका क्या मतलब होता है? JavaScript आप सब लोग पढ़ चुके हैं, ये बात हमने क्लास में तो नहीं डिस्कस की, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी नज़र से गुजरा होगा। किसी को आइडिया है कि अंडरस्कोर क्या होता है? अंडरस्कोर ना कॉमा की जगह लगा सकते हैं आप JavaScript के अंदर। अगर आपको कॉमा लगाना हो, ऐसे करके होता है ना, कॉमा लगाते हैं तो उसकी जगह आप अंडरस्कोर लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख और करोड़, ठीक है। तो 8,64,000 क्या सेकंड्स या मिली सेकंड, ये हमें क्या करना पड़ेगा,
रिस्पॉन्स डॉट कुकी की डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ कि ये सेकंड में होता है या मिली सेकंड में होता है। तो मैंने क्या कहा, एक्सप्रेस js और रिस्पॉन्स डॉट कुकी लिख दिया मैंने, तो ये मुझे रेफरेंस के डॉक्यूमेंट में लेकर चला गया जहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट कुकी गालबन यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। चल भाई, हाँ अच्छा, ये तो रिक्वेस्ट डॉट कुकी है ना, ये रहा रिस्पॉन्स डॉट कुकी का ना ये डॉक्यूमेंट है। तो देखो रिस्पॉन्स डॉट कुकी के ऑप्शन में मैं क्या क्या दे सकता हूँ वो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है। HTTP ओनली बूलियन होगा, ट्रू फॉल्स वाला होगा, मैक्स एज जो है वो नंबर में होगा, ठीक है, और ये नंबर क्या है, मिली सेकेंड है, ठीक है, करंट टाइम इन मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये मैक्स एज हमें पता चल गया, उसके अलावा ये और भी हैं आपके पास वो चीज़ें आप जो दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर इन्होंने बनाकर दिखा दिया आपको कि इस तरह से हो सकता है ये एग्जाम्पल ना, एक्सपायर्स। अच्छा, एक्सपायर्स और मैक्स एज में क्या डिफरेंस है, एक्सपायर्स में आपको डेट देनी होती है और मैक्स एज में आपको मिली सेकेंड्स देने होते हैं। एक्सपायरी डेट द कुकी इन GMT इज़ नॉट स्पेसिफाई और सेट टू ज़ीरो क्रिएट्स अ सेशन कुकी, ठीक है जी। कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर सेटिंग द एक्सपायरी टाइम रिलेटिव टू द करंट टाइम इन मिली सेकेंड, ठीक है। तो इनमें से कोई एक आपको देना है एक्चुअली, ठीक है, एक्सपायर्स या मैक्स एज। एक्सपायर्स में आप एक सर्टन डेट बताते हैं कि ये डेट जब आ जाए तो तब इसको एक्सपायर करना, और मैक्स एज में आप बताते हैं कि इतने सेकंड गिनना शुरू कर दो अभी से, इतने सेकंड बाद एक्सपायर कर देना, ठीक है। तो दोनों में से एक आई थिंक आपके लिए देना ज़रूरी होगा। अच्छा, तो इतने मिली सेकेंड तक इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं देख लेता हूँ वैसे। इतने मिली सेकेंड को मैंने डिवाइड किया 1000 से, तो ये मेरे पास सेकेंड्स आ गए 84600, और 84600 जो है इसको मैं मज़ीद डिवाइड करूँगा किससे, 60 से, सेकेंड्स टू मिनट लिख देता हूँ ना मैं, सेकेंड्स टू आवर लिख दिया मैंने, तो काइंड ऑफ ये 23.5 समथिंग बनता है, ठीक है। तो 24 घंटे मैंने इसका मैक्स एज रखा है। अच्छा, अब एक गौर से एक चीज़ समझो, एक एक्सपायरी यहाँ पर है और एक इशू टाइम यहाँ पर है और एक मैक्स एज ये वाला है, इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लो। ये वाला जो मैक्स एज है ना, ये जैसे ही पूरा होगा, जब बंदे ने हमारे लॉगिन किया था तो मैं उसके रिस्पॉन्स में ये कुकी डाल के भेज रहा हूँ ना, जो कि कहाँ सेव हो जाएगी, ब्राउज़र में, और हर दफ़ा वो रिक्वेस्ट के साथ साथ लग के आती रहेगी। ये मैक्स एज जो है ना, ये पूरा होने के बाद ब्राउज़र की ये जिम्मेदारी है कि ब्राउज़र से वो कुकी वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, सही है। ये वाला मैक्स एज का ताल्लुक उस चीज़ से, सही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये वाला जो मैक्स एज है जो मैं रिस्पॉन्स डॉट कुकी में रख के भेज रहा हूँ, कुकी के ऑप्शन में, ये ब्राउज़र की जिम्मेदारी है कि इतनी देर बाद कुकी को ब्राउज़र से डिलीट कर दे ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही वो डिलीट हो जाएगी तो बंदा ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, सही है। अगली रिक्वेस्ट जो भी आएगी उसमें कुकी में कुछ होगा ही नहीं, तो हम बोलेंगे भाई आप लॉगिन करो दोबारा। अच्छा, दूसरा जो ये वाला इशू एड और ये वाला एक्सपायरी है ना, ये एज इट इज़ मिलता रहेगा मुझे, बावजूद इसके कि टोकन एक्सपायर हो जाए या नहीं हो जाए या जो भी हो जाए, ये मुझे एज इट इज़ मिलता रहेगा। अब सवाल ये है कि जब ये मैंने रखा हुआ है तो मैंने फिर ये क्यों रखा, ये भी सवाल है। अब कौन इसका जवाब दे सकता है भाई, मतलब ये वाला ब्राउज़र ख़ुद से जब डिलीट कर रहा है तो मतलब ठीक है फिर, नहीं तो मुझे दो दो जगह क्यों रखना पड़ रहा है, मतलब मैंने अपने सिग्नेचर के अंदर भी ये लिखी हुई है बात अलग से, तो इसका कोई फ़ायदा, कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें मुझे दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं नेट बंद होने पे भी कर देगा, क्योंकि ब्राउज़र को जैसे ही वो रिसीव होता है ना तो ब्राउज़र को पता चल जाता है कितने बजे आया है, तो वो तो लोकली नहीं, ये वाले में सिस्टम का टाइम पीछे करने से भी एक्सपायर हो जाएगा ये। करीब करीब पहुंच गया वैसे ये सिस्टम का टाइम पीछे करने वाला,
डेटाबेस में भैया कुछ भी सेव नहीं हुआ अभी तक, एक्सपायरी वगैरह ये चीज़ें डेटाबेस में तो जा ही नहीं रही। सर अगर मतलब ये तो टाइम है ना, और वो सिस्टम का टाइम बंदा चेंज कर दे तो वो नहीं, सिस्टम के टाइम से तो ताल्लुक ही नहीं है ना इसका। हम अभी ये इमेजिन कर रहे हैं, मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ब्राउज़र जो होगा ना वो गिनती उसकी पक्की है। हम अभी ये अज्यूम कर रहे हैं, अब वो कैसे पक्की कर रहा है अपनी गिनती, वो उसका मसला है। क्योंकि लेयर्ड सिस्टम है ना, हमने रेस्ट एपीआई के प्रिंसिपल में पढ़ा था, लेयर्ड सिस्टम है। हमने यहाँ से भेज दिया, हमारा काम ख़त्म। अब ब्राउज़र की जिम्मेदारी क्या है वो खुद देखेगा। ये बात मैं समझा नहीं। जैसे कभी कभी बहुत सी मशीन में टाइम आगे पीछे होता है, हाँ, उसकी वजह से टाइम गलत कैलकुलेट हो जाता है। नहीं, ये टाइम देखो, यहाँ पे भी जो मैंने टाइम रखा है ना वो डेट डॉट नाउ है, तो सर्वर पे ये कोड लिखा हुआ है, तो ये भी सर्वर का ही टाइम है। और यहाँ भी, यहाँ तो खैर टाइम नहीं है, यहाँ तो एक हमने ड्यूरेशन दी है कि इतने ड्यूरेशन बाद उड़ा देना। नहीं, मैं अभी ये अज्यूम कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने जिक्र किया, कि ब्राउज़र अपना काम अच्छे से कर रहा है। ब्राउज़र में आप टाइम पीछे करें आगे करें, वो इतनी देर में कर देगा एक्सपायर, ये मुझे भरोसा है ब्राउज़र में, ठीक है, वो कर देगा। लेकिन उसके बावजूद मुझे इन दोनों की ज़रूरत है, तो मैं आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पर मुझे दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे ना इस केस में हम वो दो जगह लॉगिन होने वाली चीज़ को हैंडल कर ही नहीं रहे। जैसे व्हाट्सएप में होता है या फेसबुक में होता है कि आप अगर दो जगह से लॉगिन होते हैं ना तो उसको पता चल रहा होता है, तो हम उसको तो यहाँ पे हम हैंडल कर ही नहीं रहे फिलहाल के लिए। अभी ये टोकन, एक टोकन जनरेट हो गया ना, अब इससे 10 डिवाइसेस भी लॉगिन हो जाएंगी तो वो काम करेगा 10ों में। अभी तो हमने वो चीज़ हैंडल नहीं की है। हाँ भाई, एनीवन, किसी को समझ आ रहा है कुछ? सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो। दिमाग ऐसा आइटम है जितना घिसोगे तेज होगा। नहीं, पुराना ब्राउजर नहीं। काइंड ऑफ हाँ, बैकअप ही है, लेकिन यही तो मेरा सवाल है कि ऐसी कौन सी मुझे ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर ये, इसलिए मैंने रखा है। सोचना ये है कि कौन सी जगह ये मिलीसेकंड फेल होगा। हाँ, कौन सी जगह ये फेल होगा। हाँ, कुकी एडिट कर सकता है बिल्कुल। अच्छा चलो, मैं बता देता हूँ, ये काफ़ी करीब करीब इसने बताया। वैसे देखो, जैसा कि हम ये जानते हैं कि ब्राउज़र जो है वो क्या है, वो कुकीज़ अपने पास सेव करते हैं, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो एक्सेसिबल तो नहीं होती, लेकिन ब्राउज़र यूज़र है ना, एज अ यूज़र मैं फेसबुक पे लॉगिन हूँ तो मैं उसको कुकी निकाल सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, और कुकी के अंदर ये टोकन पड़ा हुआ है। अब ये टोकन मैंने निकाल के स्टोर कर लिया अपने पास बिलफर्ज़, तो इतनी ड्यूरेशन के बाद ब्राउज़र तो डिलीट कर देगा, लेकिन मैं ब्राउज़र में वो दोबारा वो कुकी रखवा सकता हूँ हाथ से अपने, या मैं किसी ऐसे दूसरे सॉफ्टवेयर के ज़रिए, पोस्टमैन वगैरह टाइप का सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए इस टोकन को स्टिल मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर वो मैंने ब्राउज़र से निकाल के सेव कर लिया तो, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, इसके ऊपर हम डिपेंड नहीं करते, इसके ऊपर हम डिपेंड नहीं करते। हम एक्चुअली डिपेंड, हमारी जो बिज़नेस लॉजिक है वो इस पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। ये तो हमने दे दिया कि ठीक है भाई आप उड़ा देना, मतलब ये हम ब्राउज़र को भी बता देते हैं कि भाई इतनी देर बाद ना हम एक्सपायर कर रहे हैं यहाँ से, तो आप भी उड़ा देना अपने पास से,
ताकि इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि आप इमेजिन करो ना कि हमने यहाँ से एक्सपायर किया हुआ है, हमारे पास से 401 जाएगा, लेकिन ब्राउज़र स्टिल उसको स्टोर करके बैठा हुआ है। तो ये वाला जो हमने दिया है ना, ये जस्ट हमने है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये यूज़र एक्सपीरियंस के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से ये हमारा वाला जो है ना ये काम आएगा। अच्छा, इसमें देखो मैंने दोनों बातें स्टोर की हैं, इशू एक्ट और एक्सपायरी, दोनों चेक किया मैंने, दोनों यहाँ पे रखा है मैंने। इन दोनों को यूज़र चेंज नहीं कर सकता, अदरवाइज टोकन ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है, टोकन फिर वो वेरीफाई होगा ही नहीं, सिग्नेचर कहाँ से करेगा वो। तो जब ये बंदा वापस आएगा ना लॉगिन करने के बाद, अब वो कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दो चीज़ें चेक करूँगा। नंबर एक कि क्या एक्सपायर तो नहीं हो चुका ये टोकन, ठीक है, क्या ये टोकन एक्सपायर तो नहीं हो चुका। तो मैं वो कैसे चेक करूँगा, मैं उठाऊँगा सर्वर की करंट डेट और मैं बोलूँगा भाई करंट डेट और ये जो डेट है इन दोनों को कंपेयर करूँगा। तो अगर तो ये वाला मिली सेकेंड छोटा हो चुका है और करंट डेट का जो मिली सेकेंड है वो बड़ा हो चुका है, इसका मतलब है 24 घंटे पूरे हो गए, एक्सपायरी हो चुकी है इस टोकन की, तो मैं उसको वो काम नहीं करने दूंगा और मैं 401 करके वापस भेजूंगा। और ना सिर्फ मैं 401 करूंगा बल्कि उसके ब्राउज़र से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई उड़ा दे इसकी कुकीज़ तू, ठीक है। कुकी उड़ाने का तरीका क्या है, ब्राउज़र से यही कुकी रखूंगा मैं दोबारा और मैक्स एज लगाऊंगा 1 मिली सेकेंड, ठीक है, तो वो कुकी उड़ जाएगी खुद ही, जस्ट इन केस कि अगर ये वाला कुछ ज़बरदस्ती उसने किया हो कुछ। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई एक्सपायर है आपका टोकन और ब्राउज़र को मैं ये रिक्वेस्ट दूंगा और 1 मिली सेकेंड के साथ कि भाई उड़ा दे इसकी कुकी, ये बंदा ये हमने पूरा कर दिया इसको। अच्छा, तो ये तो एक्सपायरी हो गया, इस पर हम डिपेंडेंट होंगे इस वाली एक्सपायरी पर अपने बिजनेस लॉजिक को लेकर, ठीक है, और सिक्योरिटी को लेकर हम इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अच्छा, ये इशू ऐड फिर मैंने क्यों रखा है, इशू ऐड मैंने यहाँ पे इस वजह से रखा है, मतलब इशू ऐड वहाँ पे यूज़फुल हो सकता है कि आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह में और डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स में कि आप डेली क्योंकि उसको यूज़ करते हैं तो वो लॉग आउट नहीं होता है, सही है, ऐसा तो नहीं होता ना कि आज फेसबुक लॉगिन किया तो कल वो लॉग आउट हो गया 24 घंटे पूरे होते ही, ऐसा तो नहीं होता। तो ये चीज़ कैसे अचीव की जाए, ठीक है, तो फेसबुक की भी स्ट्रेटजी असल में यही है कि अगर आप कंटिन्यूसली एक सर्टन ड्यूरेशन उन्होंने सेट किया हुआ है, तो 24 घंटे नहीं है, शायद उससे कुछ ज़्यादा है, कि अगर कंटिन्यूसली आप एक सर्टन टाइम तक फेसबुक नहीं खोलते हैं तो वो लॉग आउट हो जाता है, और अगर आप डेली चलाते हैं तो वो महीनों महीनों 6 महीने तक भी नहीं होता लॉग आउट, ऐसा ही होता है ना। तो मैं ये करूँगा कि जब भी मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आएगी ना तो मैं चेक करूँगा कि ये इशू ऐड कितने पहले गए। अगर मैं देखता हूँ कि यार अगर इशू ऐड ना 6 घंटे या 7 घंटे से ज़्यादा पुराना टोकन है तो मैं उसका वो टोकन हटा देता हूँ और नया टोकन दे देता हूँ उसको, ठीक है, ये हो सकता है। या मैं देखता हूँ कि यार 10 घंटे हो गए इसको अभी एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, काइंड ऑफ 6-7 घंटे पुराने टोकन पर ये काम करता है। तो क्या कहते हैं, इस तरह करके मैं टोकन उसका रीन्यू करता हूँ, जिससे क्या होता है उसका टोकन एक्सपायर नहीं होता, उसके ब्राउज़र में नई कुकी आ जाती है और वो उसको लगता है कि यार ये तो सीमलेसली चल रहा है, लॉग आउट नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली 24 घंटे तक अगर वो पेज नहीं खोलता है, उसकी एक भी रिक्वेस्ट नहीं आती सर्वर पे, तो वो ऑटोमेटिकली फिर एक्सपायर हो जाता है, फिर उसको लॉगिन दोबारा करना पड़ेगा। अब ये मैंने इस केस में 24 आवर का पीरियड रखा है, डिफरेंट ऐप्स में अलग अलग होता है, जैसे बैंक की ऐप्स के अंदर ये होता है कि बस आपने विंडो कट की और गया, ठीक है, तो वो सेशन वाले लेवल का होता है, जैसे इसने भी बोला था कि भाई अगर आप मैक्स एज की जगह ना एक्सपायरी रखेंगे और 0 सेट करेंगे तो वो क्या होगा, वो सेशन कुकी बन जाएगी, कि कुकी अभी है जैसे ही विंडो क्लोज हुई ख़त्म, उसने वो लिखा हुआ था वहाँ पर। तो बैंक्स वगैरह की ऐप में उस तरह करके करते हैं, सोशल मीडिया की ऐप्स होती है, कुछ होती है मिड लेवल की ऐप, जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह की वेबसाइट है, जैसे आपके ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, वहाँ पे बहुत क्रिटिकल लेवल की तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे सेल परचेज हो रहा होता है, तो डिफरेंट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी हर जगह पर है, ठीक है। कुछ ऐप्स होती हैं वो बिल्कुल ही सेंसिटिव नहीं है, बिल्कुल ही न्यूट्रल है, ठीक है, कुछ छोटे मोटे टूल्स वगैरह होते हैं तो उसमें तो वो फिर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको रख सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन के क्या यूज़ केस है ये वेरी करता है। ये वाला एक्सपायरी
नहीं ये तो एक्सपायरी मैंने लगाई है ना, ये ज़रूरी नहीं थी, ये मैं लगाऊं ना लगाऊं ये हर दफ़ा मुझे ऐसे ही मिलेगा। हाँ अगर सही कह रहे हो तुम, अगर मैं ये दोनों हटा दूँ, ये दोनों अगर मैं हटा दूँ तो फिर ज़ाहिर है फिर मैं इसको एक्सपायर नहीं करवा सकता टोकन को। हाँ लॉग आउट नहीं होगा खुद, लेकिन स्टिल अगर मैं ये दोनों भी हटा दूँ ना तो JWT स्टिल मुझे बता रहा होता है कि ये कितने बजे इशू हुआ है टोकन, यानी IAT जो है ना ये JWT खुद भी बता रहा होता है मुझे, ठीक है। तो ये IAT को मैं हटा नहीं सकता, काइंड ऑफ IAT जो है मैं अगर मैं चाहूँ भी तो उसको मैं हटा नहीं सकता, मतलब वो मुझे अलग से दे रहा होता है। तो अभी अगर मैंने ये IAT लगाया है ना, इसका मतलब है ये IAT दो लिए हुए हैं मैंने, एक तो JWT खुद बता रहे हैं, एक मैंने रखवाया है, ठीक है। तो दोनों ही सही होते हैं भाई, दोनों, ये मुझे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बट टू डेमॉन्स्ट्रेट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो लगाए हैं ताकि क्लियरली नज़र आ रहा हो कि दोनों लगा हुए हैं। वेल अभी हम देखेंगे कि JWT जो है ना, अभी इसके मैं डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाता हूँ। जेसन वेब टोकन लिखूँगा ना मैं तो ये आ गया भाई आपका जेसन वेब टोकन। इसके डॉक्यूमेंटेशन में जो है ना इन्होंने बताया भाई कि क्या चल रहा है कहानी में, ये सही है। ये तो साइन हो रहा है ना, हाँ ये डिकोड में ना, जहाँ पे ये डिकोड आप कर रहे होते हो तो डिकोड में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई होगी उसकी। वेल अभी हम डिकोडेड को प्रिंट करवा के भी देखेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा कि डिकोड जब हम करते हैं ना इस टोकन को, जब ये वापस हमें आता है जब प्रोडक्ट ऐड करने बंदा, तो जब इसको हम डिकोड करते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है तो अब उसको देखेंगे। IAT एक और भी होगा उसमें जो हम नहीं रखवाते, JWT खुद रखवाता है। वेल तो हमने क्या कहा, हमने कहा response.cookie और response.send। अच्छा जैसे हम करते थे ना भाई response.status, सही है, डॉट स्टेटस और डॉट सेंड करके करते थे, ठीक है। ये एक लाइन में कर दिया हमने, और हम ऐसे भी कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये दोनों सही है, इसी तरह ये response.cookie और response.send अगर आप चाहें तो एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग किया है मैंने फ़िलहाल यहाँ पर, ये भी तरीका सही है। response.send करवाते हुए मैंने क्या क्या भेजा है, मैंने एक तो मैसेज भेजा है कि लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, दूसरा मैंने साथ में क्या भेजा है, ईमेल भेज दी और अंडरस्कोर आईडी भेज दी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भेजा, ठीक है। वेल मुझे चाहिए कि मैं फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम भी यहाँ पे भेजूँ। अच्छा फर्स्ट नेम लास्ट नेम जब मैं यहाँ से भेजूँगा तो मेरा जो फ्रंट एंड है उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट API में ये डेटा स्टोर कर लिया जाएगा कि जो बंदा लॉगिन हुआ है ना उसका ये नाम और ये ईमेल है, ताकि थ्रू आउट द ऐप मैं उसके नाम को अगर मैंने कहीं डिस्प्ले करवाना है नैव बार वगैरह में टॉप पे तो वो मैं करवा सकूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने ऊपर से उड़ा दिया था ना, उसको मैं वापस ले आता हूँ, यहाँ से उड़ाया था ना मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और जो है भाई आपका लास्ट नेम का गया, ठीक है। स्टिल हम ये ब्लाइंडली पूरा कोड लिख रहे हैं, इसको हम चला कर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, फिर हम वो उसी वक्त रिजॉल्व करेंगे। हाँ लेट कर सकते हैं बिल्कुल, कहाँ है लेट, हाँ नहीं ये लेट ही होगा एक्चुअल में, ठीक है। लेट भी नहीं होगा, ये कॉन्स्ट होगा, ये चेंज थोड़ी हो रहा है बाद में, ठीक है। ये कॉन्स्ट होगा एक्चुअली, ये टोकन चेंज तो नहीं हो रहा ना बाद में, हाँ हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ये इफ़ के अंदर है ना, इफ़ के बाहर नहीं मिलेगा, ये इफ़ के अंदर तो मिलेगा, ठीक है। वेल ये लेट और कॉन्स्ट और ये तो आप जब आप सोफिस्टिकेटेड कोड लिख रहे होते हैं तो फिर आप ख्याल रखते हैं, अभी तो हम ये बस सही काम कर दें फिलहाल के लिए। अच्छा तो यहाँ पे हमारा ये लॉगिन जो है ना कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो अब हमारे पास एक अगला मरहला है, हमारा जो एक्सप्रेस का सर्वर है आप ये बात जानते हैं, ये पाइपलाइन मैकेनिज्म में काम करता है,
यानी कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो पहले गिरती है किधर आगे, जो सबसे पहला आपका जो इसमें राउट होता है ना उसमें गिरती है आगे। अगर स्लैश साइन अप है वो रिक्वेस्ट तो इधर एंटर हो जाती है इस राउट के अंदर, यानी इस फंक्शन में एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। अगर साइन अप से मैच नहीं होता तो वो अगले वाले पे मूव कर जाती है, फिर उससे अगले वाले पे मूव कर जाती है, इस तरह करके, राइट। तो हमारे पास जो है ना क्या होगा कि हम यहाँ पे लगाएंगे एक ऐप डॉट यूज़। ऐप डॉट यूज़ हमने डिस्कस किया है पहले, नहीं किया हमने। ऐप डॉट यूज़ एक ऐसी चीज़ होती है, इसको हम मिडलवेयर कहते हैं। अच्छा, मिडलवेयर तो बाय द वे ये सारे हैं, ये भी मिडलवेयर है, ये भी मिडलवेयर है, ये भी मिडलवेयर है, ठीक है। लेकिन ऐप डॉट यूज़ एक ऐसा मिडलवेयर है जिसमें कोई राउट नहीं लगाते हैं, जैसे लॉग इन साइन अप इस तरह हम नहीं लगाते। हम इसमें क्या करते हैं, बस ऐसे एक फंक्शन दे देते हैं, हम इसमें ऐसे करेंगे और इसको हम एज अ बैरियर इस्तेमाल करते हैं, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट ही, अभी नेक्स्ट तो सीखोगे अभी। इसमें इसको हम एज अ बैरियर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट अगर इसमें भी मैच नहीं हुई, इसमें भी मैच नहीं हुई, तो किस में मैच हो जाएगी, यहाँ। और इसके अंदर ये रिक्वेस्ट हर हाल में एंटर होगी, क्योंकि इसमें कोई राउट मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा भाई हर दफ़ा राउट नहीं लगाने का मतलब है कि हर दफ़ा इसमें एंटर होना है रिक्वेस्ट में। अच्छा, इसके दरमियान में ना यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ लॉजिक्स लगाऊँगा और कुछ चेक्स लगाऊँगा, ठीक है। और मैं ये कर सकता हूँ कि अगर वो चेक क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो मैं नेक्स्ट कॉल कर दूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट कॉल करूँगा तो वो क्या होगा, वो पुड़क करके इससे मैच होने की कोशिश करेगी, फिर उस मतलब पाइपलाइन में वो वापस आ जाएगी, सही है। नेक्स्ट कॉल करने का मतलब है क्या कि वो इधर गिरी थी ना, अब यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई अगले में जाओ, अब अगले में जाएगी, उसने मैच होना होगा तो हो जाएगी, सही है, प्रोडक्ट होगी तो मैच हो जाएगी। अभी तो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ ना, हाँ नहीं मतलब मैं देखो यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा ना, इफ़ लगाऊंगा कुछ, मैं कहता हूँ इफ़ अगर ट्रू हो जाए ये इफ़, तो क्या कर दो आप, तो नेक्स्ट कर दो, ठीक है। एल्स में भी कुछ करवाऊँगा मैं, जाहिर है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 करवा दूँगा मैं, ठीक है। उस एक्चुअली यहाँ पे 401 हम करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वो टोकन सही लेकर आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इफ़ हमारा ट्रू होता है तो हम इसको नेक्स्ट करवा देंगे, अदरवाइज हम यहीं से वापस भेज सकते हैं और यहाँ पे हम रिटर्न कॉल करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि नेक्स्ट करेगा क्या, नेक्स्ट ये करेगा कि उसको उठा के ना ये अगले वाले में लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बैरियर होगा, अगर ये कुछ इफ कुछ लॉजिक कुछ चेक हम इसके अंदर लगाएंगे, अगर वो ट्रू होता है तो हम नेक्स्ट कॉल करेंगे, अदरवाइज यहीं से हम उसको घर भेज देंगे। अच्छा, नेक्स्ट कॉल करते ही वो इस वाले बैरियर को क्रॉस करके और वो इधर और इधर और इधर आ जाएगी, ठीक है। जो उसका राउट होगा, अगर वो प्रोडक्ट से मैच हो गया तो ठीक है, वरना और आगे जाएगी वो, अगर इससे भी मैच नहीं हुआ तो और आगे जाएगी। किसी अल्टीमेटली होगा क्या कि वो या तो किसी ना किसी से मैच हो जाएगी, या तो वो बिल्कुल नीचे आके ना जब ये लास्ट वाले को क्रॉस करेगी तो वो 404 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होंगे कि हम लॉगिन और साइन अप की जो एपीआई है वो इस बैरियर से ऊपर रखेंगे, और लॉगिन और साइन अप के अलावा जितनी भी हमारी सिक्योर एपीआईज हो उसको इस बैरियर के बाद रखेंगे, सही है। उससे होगा ये कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास, अगर तो वो लॉगिन साइन अप की होगी तो वो ऊपर से ही मैच हो जाएगी, अगर वो लॉगिन साइन अप के अलावा कुछ और होगी तो यहाँ उसका टोकन चेक होगा, और टोकन अगर अप्रूव होता है तभी वो आगे बढ़ेगी, अदरवाइज यहीं से वापस चली जाएगी, ठीक है। तो इसके नीचे वाली एपीआई बगैर लॉगिन किए एक्सेस करना इम्पॉसिबल होगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये वाली जो बैरियर है इसका कोड भी मैंने ऑलरेडी कई दफ़ा मैं लिख चुका हूँ, तो उसी में से कहीं से उठा के लाते हैं। लास्ट कोड मैंने इसमें से उठाया था ना, मर्न स्टैक, इसी में से ही उठाते हैं वो वाला भी। अच्छा, एक लॉगआउट का भी मैंने यहाँ पर राउट एक बनाया हुआ है काइंड ऑफ, ये आप चाहें तो मे बी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लॉगआउट जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोकन में रखूँगा और उसको एम्प्टी रखूँगा या कोई भी रैंडम वैल्यू रख के इसका मैक्स एज मैं 0 कर दूँगा,
तो एक्चुअली होता क्या है, अगर टोकन के नाम से मैंने पहले एक रखवाई भी थी, उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ रखवाता हूँ तो पुराना वाला रिप्लेस हो जाता है, और उसका मैक्स एज भी जीरो है, तो वो रिप्लेस भी हो जाएगा और वैनिश भी हो जाएगा खुद ही, ठीक है। और HTTPS ओनली मैंने इसको ट्रू किया है, ठीक है। मैक्स की जीरो की जगह वन रखा है मैंने, वन इज़ अ अप्रोप्रिएट, जीरो से वो शायद उसको सेशन ना समझ ले गई, तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। तो ये लॉग आउट है, अगर आपने लॉग आउट के बटन प्रेस करवा के करवाना है तो आप ऐसे भी करवा सकते हैं, कोई भी नाम इसमें आप रख सकते हैं। जैसे मैंने टोकन रखा है तो मुझे ये टोकन ही के नाम से मिलेगा, वेरीफाई करते हुए मैं कुकीज़ में जैसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम रखूँगा तो फर्स्ट नेम ही मिलेगा। तो इसी तरह रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन मैं ढूंढूंगा तो उसी में मुझे मिलेगा, या जिस नाम से रखवाऊंगा वो नाम मैं ढूंढूंगा बाद में, ठीक है जी। तो वो मैं उस चेक वाली जगह पे, ये है मेरा वो चेक का फंक्शन जो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस चेक के फंक्शन को हम बहुत ही वेरी क्विकली हम इसको समझ लेते हैं कि क्या है। ऐप डॉट यूज़ फंक्शन, ये फंक्शन का फंक्शन हटा सकता हूँ मैं, ES6 वाला बना सकता हूँ उसको, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ को मैंने यहाँ पे क्या करवा लिया है, प्रिंट करवा लिया है कि कुकी में जो कुछ भी है वो प्रिंट हो जाए। अगेन ये काम आपने प्रोडक्शन में नहीं करना, क्योंकि इसमें टोकन है आपका और वो टोकन प्रिंट हो जाएगा साइक्लिक के कंसोल पे, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, ये रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ में कुकीज़ कैसे आ रही हैं, मैंने ऊपर कुकी पार्सर लगाया हुआ है, ठीक है, ये कुकी पार्सर लगा हुआ है ऊपर मैंने, ठीक है, इसी वजह से मिल रही है। अदरवाइज़ कुकी पार्सर नहीं होगा तो ये खाली मिलेगा आपको, पार्स नहीं हो पाएगा, ये सेम बॉडी पार्सर वाला फिनोमेना है। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले चेक किया लगाया है कि भाई रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट कैपिटल टी से टोकन अगर ये नहीं है नॉट, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं नलिश ऑपरेटर भी लगा सकता हूँ क्वेश्चन मार्क करके, ठीक है, जहाँ पे भी नल चेक लगाते हैं ना और डॉट डॉट ज़्यादा होता है तो कोशिश करें वहाँ पे नलिश ऑपरेटर लगाएं। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर रिक्वेस्ट ही नल मिल गई आपको तो डॉट कुकी और डॉट टोकन पे कोड आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, वो बोलेगा भाई कैन नॉट गेट टोकन ऑफ अनडिफाइंड। तो ये वाले एरर से बचने के लिए आप नलिश ऑपरेटर लगा लेते हैं। इससे होता क्या है कि अगर रिक्वेस्ट ही नल मिल गया या कुकीज़ नल मिल गई या अनडिफाइंड मिल गई तो वो ओवरऑल को वो अनडिफाइंड कर देता है बजाय इसके कि वो कोड को ब्रेक करें, ठीक है। तो बेहतर ये है कि जहाँ पे आप इस तरह कर रहे हैं नलिश ऑपरेटर वहाँ पे इस्तेमाल कर लें आप। अच्छा जी, हाँ और भी कुकीज़ हो सकती हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल मेरा सर्वर है ना, रखवाई मैंने एक है तो एक ही होगी। और सही कह रहे हो तुम, सिर्फ टोकन नहीं होता, कुकीज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो और वो कुकीज़ जो आपने अक्सर वेबसाइट आप खोलते हैं उसमें कुकी की परमिशन मांगता है कि कुकी मुझे रीड करने दो, ठीक है, तो वो दूसरे वेबसाइट की कुकीज़ को आप उठा भी सकते हैं, ठीक है। तो HTTPS ओनली जो कुकीज़ है ना वो सिर्फ सिक्योर है, वो कोई रीड नहीं कर सकता, बाकी की कुकीज़ रीड की जा सकती हैं। वेल, अभी हमारा टॉपिक नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई टोकन के नाम से अगर कोई चीज़ कुकी में एग्जिस्ट नहीं करती है ना तो इसका मतलब है टोकन नहीं लाया बच्चा हमारा साथ में, उसको घर भेजो। मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 और ये मैंने कर दिया। मैंने कहा भाई इंक्लूड HTTP ओनली क्रेडेंशियल विथ एवरी रिक्वेस्ट, ये मैंने डिवेलपर की सहूलत के लिए किया है, ठीक है, और ताकि ये मैसेज उसको नज़र आ जाए। तो इसमें आप अप्रोप्रिएट मैसेज कर सकते हैं, सम टाइम हम ऐसा करते हैं कि आपका जो REST API होती है ना उसमें जो एरर का जो मैसेज होता है, अब ये आपको मिलेगा कहाँ, ये एरर डॉट मैसेज में मिलेगा आपको, ठीक है। एरर जो आपका एग्जियोस के अंदर जो होता है ना एक डेटा होता है, एक एरर होता है, तो एरर डॉट डेटा डॉट मैसेज करके शायद आपको ये मिलेगा। तो ये डेवलपर को इससे पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वाला मसला है, कुकीज़ में वो नहीं भेजी मैंने, HTTPS ओनली क्रेडेंशियल मैंने इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि एग्जियोस से जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंक्लूड नहीं होता, आपको करना पड़ता है, वो हम देखेंगे कि कैसे करना होता है। तो डेवलपर अगर उसको ट्रू करना भूल गया तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये मसला हो सकता है। सेकेंड, अगर ये वैलिडेशन का जो चेक है अगर ये क्रॉस कर जाता है, इसका मतलब है कि कुकीज़ में टोकन नाम की कोई चीज़ मौजूद है, ये मुझे पता चल गया। उसके अगली लाइन में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ JWT.verify। अच्छा, ये JWT.verify मैंने कहाँ से देखा, जेसन वेब टोकन की डॉक्यूमेंटेशन में से देखा, ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे करके वेरीफाई होगा। वेरीफाई करते हुए मैंने, अच्छा यहाँ पे देखो हाथ रखूँगा मैं तो ये बता भी रहा है मुझे कि पहले पैरामीटर में मुझे टोकन देना है, जो एक्चुअल टोकन है वो देना है,
दूसरे पैरामीटर में मुझे क्या देना है, सीक्रेट देना है, जो मेरा सीक्रेट था वो मुझे पता है। इसी सीक्रेट से वो क्या होगा, वैसे तो ये पब्लिक है, सीक्रेट डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए मुझे ये सीक्रेट देना होगा। जब ही वो क्या करेगा, वो चेक करके बताएगा, डेटा तो मुझे वैसे भी दिखेगा, पब्लिक है डेटा, लेकिन लास्ट वाला जो पार्ट है ना सिग्नेचर, मैंने वो चेक करना है कि सिग्नेचर और पेलोड वो एक ही है या अलग कर दिया किसी ने। तो सीक्रेट में डालूंगा, उसके बाद मुझे क्या देगा, डिकोडेड डेटा मुझे ये पकड़ा देगा, सही है, डिकोडेड डिकोड करके मुझे दे देगा। अगर वो वेरीफाई नहीं होता तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर एरर आ जाएगा। अच्छा, अब ये डिकोडेड डेटा मेरे पास प्रिंट हो जाएगा, इस डिकोडेड डेटा में जो कुछ मैंने रखा था ना वही मुझे वापस मिलेगा, और मुझे पता है मैंने क्या रखा था, एक इशू एट और एक एक्सपायरी, दोनों मैंने किस में रखा था, सेकंड में रखा था, मिली सेकंड में, मैंने सेकंड में रखा था दोनों, सही है। लॉगिन वाले पे मैं जाके देख लेता हूँ, ये देखो 1000 से मैंने डिवाइड मार के रखा था, तो ये सेकंड में, ठीक है, मिली सेकंड में नहीं है, ये मेरी चॉइस है बाय द वे, मैं सेकंड में रखना चाहूँ या मिली सेकंड में, मेरी चॉइस है ये। मिली सेकंड शायद अप्रोप्रिएट है ज़्यादा, लेकिन मुजायका नहीं है, आप सेकंड में भी रख सकते हैं। अच्छा, तो जैसे ही मुझे डिकोडेड डेटा मिल गया ना, अब मैंने क्या करना है, इसका मतलब है टोकन तो ओरिजिनल है, ओके, ठीक है, क्योंकि JWT के टोकन में ना बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक्सपायरी नहीं होती, बाय इशू तो आपको बताएगा कितने बजे हुए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक्सपायरी नहीं होती। ये मैंने डिसाइड करना है कि मैं इस टोकन को एक्सपायर कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, इशू एट या एक्सपायरी जो भी मैंने सेट किया उसको देखते हुए। तो मैंने अभी का डेट तैयार किया कि सर्वर पे मेरे अभी जो डेट हो रहा है उसको सेकंड्स में तैयार किया, मैंने कहा भाई डिकोडेड डेटा डॉट एक्सपायरी अगर छोटा हो गया है डेट डॉट नाउ से, ठीक है, डेट डॉट नाउ आगे निकल गई और ये छोटा हो गया एक्सपायरी, तो इसका मतलब टोकन एक्सपायर है। तो मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401, और ये सेंड करवाते हुए मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं उसको ख़त्म भी करवाना चाहूँ, तो वो लॉग आउट वाले से मैं ले आता हूँ कि ख़त्म कैसे होता है, ख़त्म ऐसे होता है, सही है। तो मैंने कहा भाई ख़त्म करा दो, ब्राउज़र से उड़ा दो इसको, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मैंने लगाई हैं, मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ ये, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड जो है टोकन एक्सपायर्ड। अब यहाँ पे मैंने जेसन नहीं रखा, चलो इसको जेसन बना देता हूँ, मैसेज कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने बात यहाँ पे रखवा दी, ये उस केस में कि मेरा टोकन टोटली एक्सपायर हो चुका है, एल्स मैं कहता हूँ कि यार टोकन अप्रूव्ड, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन के अंदर, क्योंकि रिक्वेस्ट की बॉडी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं ना, तो बॉडी के अंदर मैंने ये टोकन रखवा दिया। आप थ्रू आउट द कोर्स जब ये नेक्स्ट कॉल होगा ना और ये रिक्वेस्ट मेरी आगे बढ़ेगी, तो बॉडी में मुझे ये सारा डेटा जो डिकोडेड डेटा वो मिलता रहेगा, किसी भी API में जब जाता है ये तो मुझे वो मिलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि एक एडिशनल चेक यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि अगर टोकन 6-8 घंटे पुराना टोकन है तो आप क्या करो, उसको एक नया टोकन इशू कर दो। तो वो काम अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और मैं एल्ज़िफ लगाऊँगा या अंदर यहाँ पे एक इफ लगा दूँगा, और वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि भाई आपका जो इशू ऐड है वो भी तो मेरे पास है ना, इशू ऐड, तो इशू ऐड जो है मेरे पास उसको यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि कितनी देर पुराना इशू हुआ हुआ है, या एक्सपायरी से भी शायद मैं चेक कर सकता हूँ। मैं कहूँगा कि यार एक्सपायर अगर 2 घंटे में एक्सपायर होने वाला है तो मैं एक नया टोकन इशू कर दूँ उसको, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक और इफ लगा के ये काम कर सकता हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट कॉल जैसे ही मैंने कर दिया तो ये आगे बढ़ जाएगी हमारी रिक्वेस्ट, तो स्लैश प्रोडक्ट और स्लैश प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ID और जो भी आगे चीज़ है उस तक ये पहुँच जाएगी, एक्सेसिबल हो जाएगी, ठीक है। अब हमें अगला काम क्या करना है, यहाँ पे हमारा सर्वर जो है वो लॉगिन और साइनअप तैयार हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो सर्वर था ना उसमें लॉगिन और साइनअप तैयार हो चुका है, सर्वर को अभी तक हमने चला कर नहीं देखा, ब्लाइंडली हमने ये सारा कोड लिखा है। मोस्ट प्रोबेबली इस सर्वर के अंदर बहुत सारे एरर्स होंगे, लेकिन अभी वो हमें जब ही पता चलेंगे जब इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना है, एक अदद फ्रंट एंड बनाना है, तो फ्रंट एंड हमारे पास थोड़ा सा बना हुआ है पहले वाला, और इसको हम CD वेब करके जाते हैं इस फ्रंट एंड के अंदर।
अच्छा पहले तो npm run dev करके उसको मैं चला दूँ ना सर्वर को। अच्छा कौन सा मॉड्यूल नॉट फाउंड बोला है इसने, जेसन वेब टोकन है ही नहीं, इंस्टॉल ही नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूँ यार सर्वर को ज़रा अभी npm run dev तो कर लें कि चल भी रहा है या बिल्कुल ही ठंडा है। चल गया भाई, सही है, MongoDB कनेक्टेड आ गया। अब इसके पड़ोस में एक दूसरा डैप खोल के cd web कर देते हैं और npm स्टार्ट कर देते हैं जिससे हमारा फ्रंट एंड चल पड़े। और हम देख लें कि अभी जो हमारे पास करंटली एक फ्रंट एंड मौजूद है वो उसमें क्या उसमें हो रहा है। सही है, ये हमारे पास एक अदद फ्रंट एंड मौजूद है और इसमें कुछ pwa बना हुआ है, इसको अनरजिस्टर कर देते हैं। भाई ये फिर से, अच्छा ये तो pwa है ना, ये तो यार ये कौन सा खुल गया, नहीं हो रहा, इसकी याददाश्त थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, एक दूसरी ऐप में एडिट कर रहा था उस पर पहुंच गया था वो। ठीक है, ये तो pwa बना लिया था ना हमने इसको लास्ट से, लास्ट क्लास में हमने इसको pwa बनाया था, तो ये उसी के कॉन्सोल आ रहे हैं। मैं समझा शायद हमने इसको बनाया हुआ नहीं है pwa। वेल तो हम ज़रा आप खोल कर देखते हैं इसमें क्या कुछ हो चुका है। हमने इसमें राउटिंग नहीं की थी ना, राउटिंग हमने पढ़ी वैसे इस क्लास में, राउटिंग नहीं पढ़ी हमने संडे वाली जो है। नहीं नहीं, ये इसकी राउटिंग जो रिएक्ट राउटर डॉम जो था वो तो पढ़ा है ना हमने। तो यार एक काम करते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम वाला एक हम उठा के ले आते हैं ना इसमें। चलो उठा के नहीं लाते एक्चुअली, क्योंकि राउटिंग तो हमें करनी है ना, लॉगिन साइनअप का पेज तो जाहिर है अलग बनेगा। वो हमने कौन से वाले में की थी यार, मुझे याद नहीं। हाँ रिएक्ट में हमने फायर बेस ऑथेंटिकेशन पढ़ा था ना, जब उसमें की थी हमने 13 रिएक्ट राउटर डॉम। फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे चलते हैं ना अभी, इसमें पूरा का पूरा कोड होगा प्रॉपर। तो ये कंपोनेंट्स पूरे हम उठा के ले आते हैं एज इट इज़, ये कंपोनेंट्स सारे हमें चाहिए होंगे। ठीक है, ये कंपोनेंट्स मैंने सारे इधर पेस्ट कर दिए, अब देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। अच्छा उसके अलावा इसका जो app.js है हमारे पास, app.js, इसमें ये पूरी जो राउटिंग हुई हुई है इसको एज इट इज़ हमें ये चाहिए होगी। सही है, ये राउटिंग पूरी की पूरी सही है, राउट्स और ये गेट और, अच्छा ये गेट ऑथ वगैरह नहीं चाहिए होगा। वेल इसको मैं पूरे को कॉपी करके इधर ले आता हूँ अपने पास, फिर इस कोड को देखते हैं हम कैसे ये रीयूटिलाइज करना है। ठीक है, मैं इस कोड को यहाँ पे लाके मैंने पूरे का पूरे कोड को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कि इसको रीयूटिलाइज हमें करना कैसे है। उसके अलावा index.js में भी थोड़ा सा कोड होता है हमारा, इसका ये ब्राउज़र राउटर वाला कोड होता है ना, ये भी हमें चाहिए होगा। सही है, अच्छा जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, वो रिएक्ट राउटर डॉम वाली क्लास में नहीं था इसका मतलब है। सही है, तो रिकॉर्डिंग उसकी भी मौजूद है, फील फ्री टू गो एंड वॉच दैट रिकॉर्डिंग। सही है जी, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने index.js तो तैयार कर दिया, ब्राउज़र राउटर करके ऐसे जो लगाते हैं इधर वो तो मैंने इधर तैयार कर दिया, राइट। ओके, अब मैंने ये app.js को थोड़ा सीधा करना है। app.js को सीधा करने के लिए पहले तो फायरबेस वाली चीज़ें मुझे इसमें नहीं चाहिए, राइट। होम अबाउट गैलरी लॉगिन एंड साइनअप, ठीक है जी। हाँ ब्राउज़र, हाँ प्रोवाइडर बोलते हैं उसको, यस। अच्छा ये गेट ऑथ वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है, ये फायरबेस रिलेटेड चीज़ें, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा यूज़ स्टेट ही मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फायरबेस स्पेसिफिक चीज़ है। ठीक है, लॉग आउट हैंडलर भी फायरबेस स्पेसिफिक चीज़ है। वेल लॉग आउट हैंडलर हमारा जो है वो डिफरेंट होगा, एक्चुअली वो एक्सियोस के ज़रिए हम कॉल करके लॉग आउट करवा रहे होंगे।
ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास ये तमाम जो है पेजेस हैं जो कि इज लॉगिन ट्रू या फॉल्स होने के सूरत में ये सारे जो है ना क्या कहते हैं ये सारे जो है इस लॉगिन ट्रू होने या फॉल्स होने की सूरत में अलग अलग नेविगेशन बार और अलग अलग राउटिंग स्कीम पे मुझे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो इससे पहले जो लगा हुआ था इसमें एक फॉर्मिक भी यूज़ किया हुआ है हमने, काइंड ऑफ गेट ऑल प्रोडक्ट्स एंड डिलीट ऑल प्रोडक्ट्स, इसका हमने फंक्शन तैयार किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है इन फंक्शंस की हमें ज़रूरत नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा कोड किया हुआ है हमने। फ़िलहाल तो हमने सिर्फ लॉगिन साइनअप ही बनाया है ना, तो हम उसी को ही सिर्फ चला कर देख लेते हैं। ये सारा कोड मेरा ख्याल है कि कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये सारा कोड मैंने बढ़ा दिया और मेरे पास अभी एक बेसिक ऐप तैयार हो चुकी है बनके, जिसमें मेरे पास क्या है देखते हैं चला के ज़रा क्या कुछ बन चुका है अभी तक। ये क्या कह रहा है भाई, ऐप डॉट जे एस लाइन नंबर 7 मॉड्यूल नॉट फाउंड। अच्छा, ये तो इंस्टॉल भी करना होता है ना, रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल तो नहीं किया हमने। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम और हमने कुछ ऐसी लाइब्रेरी इसमें यूज़ तो नहीं की हुई है, नहीं है। ठीक है जी, तो ये दोबारा से चल पड़ा है और अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है कि कंपोनेंट स्लैश होम डॉट जे एस एक्स मॉड्यूल नॉट फाउंड मूमेंट। अच्छा, मूमेंट इस्तेमाल हुआ हुआ है इसके किसी इंटरनल किसी जगह पे, तो ये कह रहा है मूमेंट भी इंस्टॉल कर दें आप। एन पी एम आई मूमेंट भी कर दिया मैंने। और कौन सा फायर बेस कहाँ यूज़ हुआ है भाई, होम डॉट जे एस एक्स हटा देते हैं वहाँ से इसको, होम डॉट जे एस एक्स पे फायर बेस यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है जी, ये है फायर बेस की कुछ चीज़ें। ठीक है, कोई पोस्ट वगैरह कुछ है फायर बेस को तो यार उड़ा देते हैं ना फिर यहाँ से। हाँ, ये फायर बेस की कुछ चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई हुई हैं, सेव पोस्ट डिलीट पोस्ट। अच्छा, ये पूरा कोड यहाँ हुआ है। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली में कि हम इन सब को उड़ा देते हैं और ये जो होम का कंपोनेंट है इसको हम क्या कहते हैं, जस्ट यहाँ पे एक सिंपल सा लगा देता हूँ मैं कि दिस इज़ होम। ठीक है, दिस इज़ होम मैंने जस्ट लगा दिया टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, फायरबेस ऑथ अभी भी कहीं पे लगा हुआ है, लॉगिन। हाँ, लॉगिन तो सारा फायरबेस से ही हो रहा था हमारा लास्ट। ठीक है, तो लॉगिन से हम ये फायरबेस वगैरह को हटा के और अब हम अपना ख़ुद का लॉगिन बनाएंगे। जो लॉगिन का ये फंक्शन है, इस लॉगिन के फंक्शन के अंदर ये रहा ना लॉगिन हैंडल, तो लॉगिन हैंडल के अंदर ये लॉगिन विद फायरबेस जो था अब ये हमारा इस तरह से नहीं हुआ करेगा और ये गेट ऑथ भी हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम इस जगह पर अपनी कस्टम लॉजिक लिखेंगे कि ईमेल और पासवर्ड उठा के सर्वर को भेजेंगे। लॉगिन विद फेसबुक भी हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लॉगिन विद फेसबुक का एक बटन मैंने शायद नीचे बनाया हुआ था तो इसको भी उड़ा देते हैं। मैम यार क्या कुछ किया हुआ है, मटेरियल यूआई कहीं पे यूज़ हुआ हुआ है, यहीं पे हुआ है। फॉर्म में यूज़ किया मैंने मटेरियल यूआई। हाँ, वो मैंने एक डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाई थी। चलो तो इसको इंस्टॉल कर देते हैं, कोई बात नहीं।
मैं क्लास में हूँ, मुझे बता दो क्या प्रॉब्लम है। सही है, वॉइस मैसेज छोड़ दो, जो भी बात करनी जवाब दे दीजिए। 11 बजे ख़त्म होगी क्लास में। ओ भाई, अभी भी फायरबेस ऑथ लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है अभी? साइन अप में भी तो है भाई साहब, साइन अप भी तो फायरबेस से ही हो रहा था। ठीक है, तो ये गेट ऑथ वगैरह हम यहाँ से भी उड़ाते हैं। ओह मैन, साइन अप हैंडलर के अंदर हमारे पास अब ख़ुद का साइन अप होगा। ये क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड हम अब यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इस जगह पे अपना एक्सियोस का कोड लिखेंगे साइन अप के लिए। ठीक है, आई थिंक हमने सब जगह से हटा दिया क्या? ये क्या चीज़ है? अच्छा, इमोटिकॉन रिएक्ट। अच्छा, वो ज़ाहिर है वो इंस्टॉल तो पूरा ही होगा ना फिर। अब वो मटेरियल यूआई, मटेरियल यूआई की जितनी चीज़ें हैं वो सारी इंस्टॉल होगी। अभी तो यही इंस्टॉल किया था मैंने, अभी क्या किया था? अच्छा, इमोटिकॉन रिएक्ट किया था हमने। सही है, फाइनली हमारा ये चल चुका है। ठीक है, स्टिल हमारा इसने काफ़ी टाइम बचाया, क्योंकि अगर हम यही काम हम फ्रॉम स्क्रैच बनाते तो हमें ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, इसने में थोड़ा सा टाइम हमारा स्टिल बचा दिया। तो अब हमने काम क्या करना है? अब हमें काम ये करना है कि ये हमारा लॉगिन का पेज है, ये हमारा साइनअप का पेज है। ठीक है, ये दो पेजेस हमारे पास मौजूद हैं जो हमारे पहले से बने हुए पेजेस हैं। और किस चीज़ की हमें, मुझे एरर दिए जा रहे हैं। नॉन यूनिक आईडी आउटलाइन बेसिक 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 दिस दिस दिस। अच्छा, ये देखेंगे फिर बाद में कि इसका क्या करना है। ये कुछ वार्निंग मुझे दे रहा है कि फाउंड टू एलिमेंट्स विथ नॉन यूनिक आईडी आउटलाइन बेसिक। अच्छा, ये कह रहा है कि एक एलिमेंट आपका ऐसा है जिसमें ना दो को आपने एक जैसी आईडी दे दी है। हाँ, वो दोनों इनपुट में कह रहा है कि एक जैसी आईडी दे दी है और वो गलत है। ठीक है, हाँ ना यार, आउटलाइन बेसिक, आउटलाइन बेसिक हो गया। नहीं नहीं, वो तो नहीं नहीं, आईडी में ये थोड़ी होगा, ये तो वेरियंट में होगा ना आउटलाइन। ये मैंने असल में एक ही को कॉपी किया तो इस वजह से हुआ है। तो एक हमारा जो है वो ईमेल है और एक हमारा जो है वो पासवर्ड है। ठीक है, तो ये करने से आई होप कि ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैं लॉगिन और साइनअप पे जब मूव करता हूँ तो, अच्छा, साइनअप में भी मुझे ये कोई एरर दे रहा है। इनपुट एलिमेंट हैव ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट सजेस्टेड यूज़र नेम। अच्छा, ये कह रहा है कि इसमें ऑटो कंप्लीट का एक एट्रीब्यूट है तो उसमें जो है ना, अच्छा नहीं लगा हुआ है ऑटो कम्प्लीट। ऑटो कम्प्लीट इसमें नहीं लगा हुआ ना, वो कह रहा है भाई ऑटो कम्प्लीट लगा दो इसमें, और इसमें यूज़र नेम करके लगा दो ऑटो कम्प्लीट। ठीक है, लगा दिया हमने। और बोलो भाई, साइन अप, ओए ये अभी भी दे रहा है। अच्छा, वो लॉगिन में भी आ रहा था, साइन अप में भी आ रहा है। आई थिंक सजेस्टेड जो है वो यूज़र नेम है। आ जाओ साइन अप में भी यही काम कर देते हैं। ईमेल, अच्छा ऑटो कंप्लीट मैंने ईमेल पे नहीं लगाया, बाकियों पे लगाया मैं। नेम के बाद ऑटो कंप्लीट मैंने, सही है, यूज़र नेम इधर भी लगा दिया। चलो और बोलो, सही है, सारी वार्निंग सारे एरर हमने जड़ से ख़त्म कर दिए। तो सबसे पहले हमें साइनअप के ऊपर जो है वो अपना
कोड लिखना है, बहुत ही सिंपल है। ये चार पैरामीटर्स थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये चार चीज़ था ये दी हमें। तो इन चारों की जो भी वैल्यू होगी वो लेके मैंने अपने सर्वर पे हिट करवा देना है। सर्वर मेरा इस वक्त चल रहा है लोकल होस्ट 5001 पे चल रहा है, राइट। तो मैं साइनअप का पेज ये रहा ना मेरा, बाकी सारी चीज़ों को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट बेस यूआरएल इक्वल्स टू, और जो भी मेरा यूआरएल है बेस, ठीक है, इस वक्त है http://localhost5001, ये मेरा बेस यूआरएल, राइट। तो इसी के आगे लगा के मैं जो भी कुछ करूँगा वो करूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा बेस यूआरएल यहाँ पे बना दो, उसके बाद मैंने क्या करना है, exios.post, exios मेरे पास क्या इंस्टॉल है, आई थिंक नहीं है इंस्टॉल, एक्जियोस को मैंने इंस्टॉलेशन पे लगा दिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट एक्जियोस फ्रॉम एक्जियोस, ठीक है, ये एक्जियोस इम्पोर्ट हो गया मेरे पास। तो सही, एक्जियोस इम्पोर्ट हो गया, व्हाट, अच्छा ये लाइन मैंने अधूरी लिखी हुई है ना, इस वजह से यार मेरा एक्जियोस डॉट पोस्ट में मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले इसको देना है बेस यूआरएल और स्लैश साइनअप, मैंने इसको पास करना है, और कॉमा डाल के मैंने इसको एक अदर बॉडी देनी है। बॉडी में मैं कैसे डेटा उठाऊंगा, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अच्छा मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए एक्चुअली, तो मैं फ़िलहाल के लिए ये करता हूँ कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है ना वो यही दे देता हूँ। ये वाले के बाद, हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में भी मैं फ़िलहाल के लिए यही पास कर देता हूँ टू सेव माई टाइम। एक्चुअली तो मुझे लास्ट नेम के लिए अलग फील्ड बनानी चाहिए, लेकिन मैंने फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड में डी लगेगा, सर्वर पे नहीं, मेरे पास तो तीन ये स्टेट्स बने हुए हैं ना। अच्छा देख लेता हूँ मैं नीचे ये तीनों स्टेट किस तरह से चल रहे हैं, सेट नेम, सेट ईमेल, सेट पासवर्ड, तीन ही है यहाँ पर, ये इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है लेकिन ऑन चेंज के ऊपर, ठीक है। इस पर कोई लॉजिक नहीं लगी हुई, लगनी चाहिए कि जब तक ये वेरीफाई ना कर जाए उसको ये सबमिट ना होने दे, या इन दोनों की वैल्यू उठा के मैं एटलीस्ट इस जगह पे वेरिफिकेशन करूँ, लेकिन वो फ़िलहाल किया हुआ नहीं है। क्या, हाँ अभी अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। इस पर कॉमा डाल के अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट पास करना है जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉन्फ़िगरेशन में मैं क्या करूँगा, विथ क्रेडेंशियल्स को ट्रू करूँगा, ठीक है। इसको ट्रू करने से क्या होगा, ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि जो रिक्वेस्ट यहाँ से जानी है ना उसके साथ वो HTTPS कुकी से उसका लेना देना है कुछ, ठीक है, तो उसको ये पता चल जाएगा। हाँ प्रोडक्शन में भी बिल्कुल ऐसे यूज़ होगा ये। अच्छा तो मैंने कहा लेट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, और मैंने कहा भाई अवेट, सही है, इसको डॉट देन करके भी यूज़ कर सकते हैं, अवेट करके भी कर सकते हैं। अवेट करने के लिए मुझको ये एसिंक बनाना होगा फंक्शन मेरा, तो ये साइनअप हैंडलर है। तो मैंने कहा ठीक हो गया भाई, ये वाली रिक्वेस्ट भेजो, इसको मैंने क्या किया ट्राई कैच के अंदर डाला पूरा, ठीक है, क्योंकि मैं जब भी एसिंक का वेट करके यूज़ कर रहा हूँ तो ट्राई कैच में वो काम करना होता है, डॉट कैच उस पर फिर वर्क नहीं करता प्रॉपरली। इस पर मैंने कॉन्सोल डॉट लॉक करवा दिया, और जो भी एरर आया ना मैंने कहा भाई इसको एरर को ऐसे करके कंसोल करवा दो, ठीक हो गया। तो ये तो एक केस हो गया मेरे पास। हेलो 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 हेलो, यार ये क्या हो रहा है, हर थोड़ी देर बाद वेल। तो अब मैंने अगला काम क्या करना है, अगर ये रिक्वेस्ट यहाँ से जो निकली है ये अगर इसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आता है तो मैंने क्या करना है, मैंने कहना है कॉन्सोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स
साइन अप सक्सेसफुल, ठीक है, ये मैंने कॉन्सोल पे कह दिया, और मे बी यहाँ पे मैं कोई स्टेट बना लूँ जिस पे मैं भाई बोलूँ कि यार साइन अप सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पे फॉर्म के नीचे मैंने एक पैराग्राफ बना लिया और इसमें मैंने क्या लिखवा दिया, मैंने लिखवा दिया भाई रिजल्ट, ठीक है। एक क्लासिक अप्रोच, बाय द वे हम इस तरह से नहीं करेंगे उसको, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को डिस्कस करेंगे जो फ्रंट एंड से रिलेटेड है। तो ये जैसे ही बंदा साइन अप या लॉगिन होगा तो हम वहाँ पे इसकी डिटेल्स रखवा रहे होंगे और वहाँ से हमें पता चल रहा होगा कि ये क्या चक्कर है पूरा का पूरा। वेल, फिलहाल मैंने यहाँ पे एक रिज़ल्ट रखवा दिया, ठीक है, और मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे एक रिज़ल्ट के नाम का स्टेट बना लिया मैंने, मैंने कहा भाई रिज़ल्ट और सेट रिज़ल्ट। तो जैसे ही मेरे पास क्या होता है यहाँ पे सही रिस्पांस आता है, मैं कहता हूँ भाई सेट रिज़ल्ट पे ये रखवा दो ताकि मुझे एटलीस्ट सामने कुछ पता चल जाए कि हाँ यार मेरे पास क्या हो गया। सेट रिज़ल्ट में मैंने ये बात रखवा दी, सही है। अच्छा, अब इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। मेरा सर्वर राइट नाउ चल रहा है, सही है। अच्छा, मैं अभी देख लेता हूँ कि मेरे पास राइट नाउ कोई कुकीज़ तो नहीं है। यहाँ पे क्लिक करने से मुझे कुकीज़ मिल जाती हैं, ठीक है, और मेरे पास इस वक्त काफ़ी सारी कुकीज़ मौजूद हैं, तो मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ये कुकीज़ मेरे पास इस वजह से मौजूद थी कि लोकल होस्ट 3000 पे रिएक्ट की सारी ऐप चलती है, तो मैं एक दूसरी ऐप को डिवेलप कर रहा था जो मैंने लॉगिन की थी, तो जाहिर है उसका कुकी किधर आता है, इधर आके सेव होता है, और कुकी URL वाइज वर्क कर रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा URL इस वक्त लोकल होस्ट 3000 है तो जो भी कुकी आएगी ना मेरे ब्राउज़र में वो इस URL के साथ एसोसिएट होती है, ठीक है। यही ऐप मैं साइक्लिक पर डिप्लॉय करके जब खोलूँगा ना तो वो लॉगिन हुई भी नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे पास आपने देखा चार कुकीज़ मौजूद थी, अभी दोबारा एक आ गई है, कैसे आई है ये, अच्छा ये तो सेशन ही अपना है इसका कुछ, ठीक है। तो मैंने इसको कैंसिल कैंसिल डन। अच्छा, अब जब मैं साइनअप करूँगा, अच्छा साइनअप में तो मैंने वैसे बाय द वे कोई कुकी नहीं भेजी ना, वो तो सिंपल साइनअप है। ओके, तो मैंने कहा भाई यूज़र का नाम इंजमाम मलिक रखो और ये मलिक एट सिसबा और पासवर्ड 12345 और 12345, ठीक है, साइनअप। क्या हो गया, एक्सेस डिनाइड। अच्छा, ये एक्सेस डिनाइड इस वजह से हुआ है क्योंकि अभी मेरा फ्रंट एंड एक अलग URL पे है और मेरा सर्वर एक अलग URL पे है, तो मैंने क्या करना होगा, ये जो एक्सियोस जो कोर्स का मैंने ये रखा हुआ था ना आइटम, ये मुझे इनेबल करना होगा, और इनेबल करते हुए मुझे बताना होगा कि रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी आपके पास, लोकल होस्ट 3000 से आएगी, आप मना नहीं करना उसको, आने देना। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। स्टैरिक का मतलब होता है कि कहीं और से भी आए तो जाने देना, लेकिन अब एक मसला है, पहले स्टैरिक चल जाता था, अब स्टैरिक ना गूगल क्रोम ने शायद बंद कर दिया है, तो मतलब पहले हम ये करते थे कि सिर्फ स्टैरिक लगा देते थे, ऐसे ऐसे करके लगाते थे तो सही चलता था, कहीं से भी आती थी मना नहीं करता था, लेकिन गूगल क्रोम में ना अब ये वाला थोड़ा इन्होंने बंद कर दिया है, ये कहते हैं भाई कि यार एग्जैक्टली वो बताओ मुझे डोमेन, तो ये वाली अप्रोच सही काम करती है। वेल, अभी उसका टाइम नहीं है, वरना हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो मैं दोबारा साइनअप का बटन दबाता हूँ तो ये साइनअप सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस में आप जैसा ये देख सकते हैं कि ये ईमेल बनी है और ये पासवर्ड हैश की सूरत में बना है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से आया कॉन्सोल, मैंने डेटा को सेव कराने के बाद जो कॉन्सोल किया हुआ है ना साइनअप की, जो मेरी API है, ये साइनअप की API है, यहाँ पे जब डेटा सेव होता है यूज़र डॉट क्रिएट के अंदर, तो वहाँ पे जो है ना मैंने इसको क्या करवाया हुआ है, कॉन्सोल करवाया हुआ है कि डेटा सेव्ड, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और 201 मतलब न्यू रिसोर्स क्रिएटेड में 201 होता है स्टेटस, तो ये डेटा सेव्ड यहाँ पे कॉन्सोल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला कॉन्सोल भी बेहतर ये है कि आप प्रोडक्शन में अगर इसको बंद कर दें, भाई देखो प्रोडक्शन में ना कोई भी कॉन्सोल खुला हुआ नहीं होना चाहिए इस तरह का, ठीक है, जो आपकी बिजनेस लॉजिक को लीक करे कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मेरे बिजनेस लॉजिक को लीक कर रहा है कि मैं यूज़र में क्या किया और किस किस नाम से, मतलब पासवर्ड में पासवर्ड के नाम से सेव कराता हूँ ना, ये अगर किसी को पता चल जाए तो ये एक वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। पासवर्ड को लोग आमतौर पर एग्जैक्टली सही स्पेलिंग से नहीं सेव करवाते, डेटाबेस में पासवर्ड को थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके या किसी और नाम से करवाते हैं, सम टाइम लगवाते हैं ऑथेंटिसिटी कर देते हैं, सम टाइम कुछ PW कर देते हैं,
सही है, अलग अलग स्पेलिंग रखते हैं, तो ये पता चल जाना किसी को कि यार मैंने ऐसे किया हुआ है और मैंने क्रिएटेड ऑन इस तरह करके एक डेट लिखी हुई है यहाँ पे और आईडी में ऐसे सेव होती है मेरे पास, तो ये एक वल्नरेबिलिटी हो सकती है इन फ्यूचर मेरे लिए, ठीक है, कि मेरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर पता है सामने वाले बंदे को, तो ये सारे कंसोल मुझे बंद रखने हैं। वेल, तो साइनअप का जो मेरा पेज था उसका काम यहीं तक का था, उसका काम क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब हम जल्दी से कोशिश करते हैं कि अब लॉगिन वाला जो पेज है ना वो हम बनाएं, और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास जो टोकन है वो आ जाना चाहिए। तो मैं इतने कोड को कमिट करता हूँ, मैं कहता हूँ साइनअप पेज डन और सिंक, और अब मैं आ जाता हूँ लॉगिन वाले पेज पर। अच्छा, लॉगिन वाले पेज पर मेरे पास क्या चीज़ है भाई, भला अच्छा तो मैं क्या करूँगा भाई, एक्जियोस डॉट बल्कि गेट क्या पूरा क्या लिखूँगा, मैं वहीं से कॉपी करके लाता हूँ ना, एक्जियोस की पूरी रिक्वेस्ट ये है ना, मेरे एक्जियोस की पूरी रिक्वेस्ट, तो मैं यहीं से कॉपी करके लाता हूँ इसको, ठीक है। इसमें भी पोस्ट होगा एक्चुअली, और मेरे पास जो है इसमें ईमेल और पासवर्ड होगा एक्चुअली, सिर्फ ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं होगा मेरे पास, सही है, ईमेल और पासवर्ड होगा। पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, ये भी साइनअप की नहीं होगी, ये लॉगिन की रिक्वेस्ट होगी, राइट। तो exios.post/login ईमेल और पासवर्ड विद क्रेडेंशियल्स ट्रू, ठीक है। अच्छा भाई, देखिए साइनअप में मुझे विद क्रेडेंशियल्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, पूछो क्यों, क्योंकि मैं कुकीज़ तो भेज नहीं रहा हूँ उसमें। वेल, मैंने उसमें भी लगा दिया, लेकिन इसमें मैं नहीं भी लगाता तो सही चलता ही, क्योंकि मैं कुकीज़ तो नहीं भेज रहा ना मंगवा रहा हूँ रिस्पॉन्स में, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली, ठीक है, तो उसको मैंने हटा दिया यहाँ से। लॉगिन में ऑन अदर हैंड मुझे ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कुकीज़ आती हैं रिस्पॉन्स में। अच्छा, तो मैंने कहा भाई अगर इसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आ जाता है तो मैं बोलूँगा कि भाई लॉगिन सक्सेसफुल, और लॉगिन सक्सेसफुल के लिए मैं एक ऐसे रिजल्ट वाला यहाँ पे बना लेता हूँ इधर भी, ठीक है, एक मैंने रिजल्ट वाला यहाँ पे भी बना दिया, और इस रिजल्ट को मैं नीचे कहीं ना कहीं डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है कि भाई लॉगिन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरे पास क्या लिखा हुआ जाए, नीचे लिखा हुआ जाए कि भाई लॉगिन सक्सेसफुल, और लॉगिन जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं ब्राउज़र में मुझे एक अदद कुकी भी नज़र आनी चाहिए। क्या हो गया इसको, ये लॉगिन डॉट जे एस क्या हुआ है, एक मिनट रिफ्रेश, हाँ बेस यूआरएल इसमें नहीं है, बेस यूआरएल बाय द वे यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन चलो फिलहाल के लिए मैं इसमें यहाँ पर बना रहा हूँ बेस यूआरएल, बेस यू आर एल ना यहाँ पर नहीं होगा, सही है, इसमें बेस यू आर एल को पहले तो कंपोनेंट से तो बाहर ही एटलीस्ट रखूँ मैं इसको ना, ठीक है, एक ही बात है वैसे, कंपोनेंट के अंदर हो या बाहर हो, कॉन्स्टेंट यू आर एल है तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या हो गया, अवेट लिखा है मैंने इसके अंदर और ये फंक्शन जो है वो एसिंक नहीं है, सही है, ये अवेट वाली चीज़ एसिंक फंक्शन के अंदर ही चल सकती है, ठीक है। तो ये साइनअप के मैं पेज पे खड़ा हुआ था, अब मैं लॉगिन के पेज पे चला जाता हूँ, और लॉगिन के पेज पे जाके मैंने क्या करना है, पहले तो गलत पासवर्ड malik@sysborg.com, और पासवर्ड मैंने 12345 रखा था, बट मैं क्या लगा के देखता हूँ, 1234 लगा के देखता हूँ पासवर्ड, ठीक है, कि मुझे मेरा सर्वर क्या रिस्पॉन्स करता है। सर्वर के लॉग्स ये मेरे पास नज़र आ रहे हैं इधर, ठीक है, और यहाँ पे मुझे मेरे डेवलपर लॉग्स फ्रंट एंड के दिख रहे हैं। तो मैंने लॉगिन किया तो इसने क्या बोला कि 401 अनऑथेंटिकेटेड, कि भाई पासवर्ड गलत है, और मुझे मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट फेल्ड विथ 401, ठीक है। यार मैंने भी तो एक मैसेज भेजा था, वो क्यों नहीं आया इसमें, रिस्पॉन्स डॉट डेटा इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड, ये देखो मुझे वो वाला मैसेज मिल रहा है जो मैंने सर्वर से भेजा था, ठीक है। और यहाँ पे सर्वर पे क्या हुआ है, इस मैच जो है ना वो फॉल्स हुआ है, ठीक है। अबे यूज़र नॉट फाउंड क्यों लिखा हुआ है, ये क्या बकवास, वेल यूज़र मिला है और इस मैच जो है वो क्या हुआ है, मेरा फॉल्स हुआ है। सर्वर पे हम ज़रा ये देख लेते हैं कि किस जगह पे ये चीज़ परफॉर्म हुई है। सबसे पहले तो मैं लॉगिन की API पे आ जाता हूँ, ये मेरे लॉगिन की API है, लॉगिन की API पे ये चेक पास हुआ है, ईमेल में बॉडी पासवर्ड दोनों मिला है,
फाइंड वन के अंदर, फाइंड वन के अंदर मैंने क्या चेक किया है कि भाई इस ईमेल से बंदा तलाश करो, बंदा तलाश करके लाओ, और ये कंसोल कहाँ से आया यार, यूज़र नॉट फाउंड वाला। अच्छा, इस मैच के फॉल्स होने पे ना ये गलत वो लगा हुआ है, गलत कंसोल लगा हुआ है, ठीक है, गलत कंसोल लग गया है यहाँ पे। इसमें ये लिखा हुआ आएगा कि पासवर्ड डिड नॉट मैच, ये लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो जगह पे वो सही पहुँचा, लेकिन कंसोल क्योंकि गलत लगा हुआ है तो कंफ्यूज हुआ उसकी वजह से, ठीक है। दोबारा अगर मैं उसको अब लॉगिन करता हूँ उसी ईमेल पासवर्ड के साथ, तो अभी ये कंसोल पे सही बात लिखी हुई आ रही है। वेल, ये डेटा कंसोल पे नहीं होना चाहिए इस तरीके से। पासवर्ड डिड नॉट मैच इज काइंड ऑफ फाइन, लेकिन बेहतर ये कि सारे लॉग्स आपके बंद हों। अच्छा जी, अब ये तो हो गया गलत पासवर्ड के साथ, अब इसको मैं सही पासवर्ड यानी 1 2 3 4 5 के साथ लॉगिन करता हूँ, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, लॉगिन सक्सेसफुल होने की सूरत में मैं नेटवर्क में जाता हूँ, और नेटवर्क में जाके ये लॉगिन की रिक्वेस्ट है ना, इसका ज़रा जायज़ा लेता हूँ कि ये गई थी और इसके साथ वापस क्या क्या आया। इसके साथ वापस में ना देखो, एक आई है सेट कुकी, और उसके अंदर आया एक अदर टोकन, ठीक है, जो मैंने सर्वर से भेजा था, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, ये 86400, इसका मैक्स एज वगैरह सब कुछ मैंशन है, और ये इसके अकॉर्डिंगली इसने एक्सपायरी क्या सेट की है, 22 December 18:05 GMT, और साथ में मेंशन है कि ये HTTP ओनली कुकी है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ आपको नज़र आता है यहाँ पे कि यहाँ पे से इस तरह से आपके पास ये रिक्वेस्ट आई है। अच्छा, ब्राउज़र में आपके पास कुकीज़ सेव कहाँ पर होती है आके, वो भी ज़रा देख लें हम कि वहाँ पे ये नज़र आ रही है। ये इधर छोटा सा डॉट बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुकीज़ लिखा हुआ है, इसको खोलेंगे, कुकीज़ में जाएंगे, देखो टोकन के नाम से ये हैश यहाँ पे सीधा सीधा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये टोकन यहाँ पे मौजूद है, और इसके साथ साथ ये इसका ना क्रिएटेड और एक्सपायरी यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई ये गूगल क्रोम इसको इतने देर के बाद ऑटोमेटिकली क्या करने लगा है, वैनिश कर देगा इसको ये, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ यहाँ हाथ से, तो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा ये, तो अगली रिक्वेस्ट में टोकन लेके जा ही नहीं पाएगा, 401 हो जाएगा सामने से, ठीक है। मैंने डन कर दिया इसको। अच्छा, अभी हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि लॉगिन साइनअप के अलावा हमारे पास कोई और राउट इस वक्त फ्रंट एंड पे सेटिंग नहीं हुई, पीछे तो है मेरे पास क्रिएट प्रोडक्ट वगैरह काफ़ी कुछ पीछे बना हुआ है सर्वर पे, लेकिन फ्रंट एंड पे उसकी सेटिंग अभी नहीं है हमारे पास। हाँ, एक ईमेल से दोबारा ज़रा ट्राई कर लेते हैं साइनअप। मैंने कहा भाई मलिक एट सिसबॉर्ग, और पासवर्ड नो मैटर वॉट मैं जो भी दूँ वो फेल ही होगा। ओके, साइन अप, तो इसने मुझे एरर दे दिया यहाँ पे, एरर के मैसेज में मुझे क्या बात बताई है इसने, रिस्पॉन्स डॉट कहाँ है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ ट्राई अ डिफरेंट ईमेल, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इधर भी यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करके इसने वो यूज़र पूरा डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो लॉगिन और साइनअप का जो सेटअप है ना, ये कंप्लीट हो गया, बट स्टिल हमारे पास अब सेशन तो मेंटेन हो गया ये, ठीक है। अब हर रिक्वेस्ट में मैं क्रेडेंशियल ट्रू करके भेजूंगा ना ऐसे एग्जॉस्ट में, तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पे एक्सेप्टेबल रहेगी, लेकिन अब फ्रंट एंड के ऊपर मुझे इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट API की, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट API की ज़रूरत हमें इस वजह से पड़ेगी कि अब बंदा इज लॉग इन है या नहीं है, ये बात ना मैं, क्योंकि मेरे पास हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे अब देखो बंदा लॉग इन हो चुका है, बंदा लॉग इन हो चुका है, लेकिन अब ये नेविगेशन बार मुझे लॉग इन होने के बाद वाला दिखाना है ना, समझ रहे हो मसला, समझ रहे हो, इसी मसले इसी पॉइंट का मैं वेट कर रहा था कि कोई ऐसी जगह आए, कोई ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट API के बगैर हमारा काम ना हो पाए, तो वहाँ पे फिर हम कॉन्टेक्स्ट API को पढ़ें, ठीक है। क्योंकि पहले से पढ़ लेते शायद उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता, आपको फील नहीं होता, और थोड़ा सा पता नहीं कुछ लोगों को मुश्किल क्यों लगता है तो बड़ा आसान, ठीक है। रिडक्स ऑन अदर हैंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम रिडक्स वैसे भी नहीं कवर कर रहे, कॉन्टेक्स्ट API कर रहे हैं। तो अब ये मेरे पास लॉगिन का कंपोनेंट है। अगर मैं app.jsx में जाकर देखूं, तो यहाँ पे जो मेरी लॉजिक लगी हुई है ना, वो app.jsx में एक स्टेट बना हुआ है। अब मैं ये डेटा
लॉगिन के कंपोनेंट से उठा के कैसे मैं ऐप के कंपोनेंट में लेकर आऊं? प्रॉप्स के जरिए तो सिर्फ ड्रिल डाउन होता है ना, ड्रिल अप थोड़ी होता है। मिसाल के तौर पे देखो, अब ये ऐप का कंपोनेंट है ना, ये रूट है ना सबका। अगर ऐप के कंपोनेंट में ये इज लॉगिन ये पड़ा हुआ है, इधर इज लॉगिन ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं इसको कहाँ देना चाह रहा हूँ, ये कहाँ गया लॉगिन मेरा, ये है ना मेरा लॉगिन वाला, मैं इधर रख के इसको पास करवा दूँ। मैं बोलूँ भाई ए बी सी पैरामीटर है और इसमें मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड दे रहा हूँ, जो भी चीज़ दे रहा हूँ, तो वो मुझे लॉगिन के अंदर तो अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन मुझे लॉगिन से एक चीज़ उठाकर ऐप के अंदर लानी है। बताओ क्या जुगाड़ है? मतलब तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे मैं एक स्टेट बना दूँ और इसका ये फंक्शन यहाँ से कॉपी करूँ? एक फंक्शन बना दिया मैंने ए बी सी इक्वल्स टू, ठीक है ये बना दिया, इसमें क्या पैरामीटर होगा, वैल्यू हो गई एक सर, ये अब तुम कह रहे हो एबीसी को मैं जब भी कॉल करूंगा इस तरह नहीं है, इसको एक्सपोर्ट करना है और ये फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाएं वैल्यू, एक्सपोर्ट तो फिर ये इधर हो जाएगा ना, फिर तो बाहर हो गया सही है, लॉगिन के प्रॉप में दूंगा, लॉगिन के प्रॉप में मैं इसको पास कर दूं, ठीक है प्रॉप में देना है तो फिर इसको अंदर करना होगा, इस तरह नहीं देना, फिर ये अलग से बनेगा, ये एबीसी को मैं इसके प्रॉप में पास कर दूं ना, ये कहना चाह रहे हो ना, लॉगिन 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 ये आ गया। मैंने कहा भाई क्या है सेट इक्वल्स टू और ऐसे करके मैंने एबीसी पास कर दिया है, ऐसे ना कॉल सिग्नेचर भी लगाओ इस पर मैं ये, अबे नहीं भाई ऐसे पास होता है। अब ये फंक्शन मुझे इसके अंदर मिल गया, लॉगिन के अंदर मिल गया, अब लॉगिन के अंदर जब मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो क्या होगा, मुझे इधर कैसे वैल्यू मिलेगी, लॉगिन में आ गया एक दफ़ा, वो फंक्शन मुझे यहाँ पे मिल गई प्रॉप में, क्या था मैंने क्या दिया था सेट, सेट के नाम से दिया था इधर, ये आ गया सेट मेरे नाम पर। अब मैं सेट को कैसे कॉल करूँ इधर, मतलब सेट को कॉल करने से होगा क्या भाई, ऐसे नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ये कैसे होगा। वेल हो सकता है इस तरह भी हो जाता हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मोस्टली अगर आप करेंगे तो आप ये करेंगे कि यहाँ पे आपने एक सेट इज़ लॉगिन बनाया हुआ है ना, यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, ये सेट इज़ लॉगिन बनाया हुआ है आपने, है ना, इस फंक्शन को कॉल करने से इस इज़ लॉगिन में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, यही होता है ना। अच्छा अगर मैं इस सेट इज़ लॉगिन को यहाँ पे पास कर दूँ, ऐसे यहाँ पे पास कर दिया मैंने, और जब इस कंपोनेंट के अंदर जब कोई ऐसी चीज़ होती है और मैं इस सेट लॉगिन में ट्रू रख के सेट करवा देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इधर ट्रू सेट हो जाएगा, हो गया, और इसके ट्रू सेट होने पे ये वाले नीचे जो सारे मंजन हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यही काम किया था ना, ठीक है आ जाओ करते हैं ये काम, फिर साइन लॉगिन में चला गया मैं, और लॉगिन में जाने के बाद मैंने कहा कि भाई ये सेट ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है। अब सेट करने के बाद मैंने बोला कि यार यहाँ पे ना जब भी आप आओगे ना तो ऐसे सेट करके इसको आप क्या कर देना, ट्रू कर देना, ठीक है, और इसको आप चला कर देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता। बाय द वे इस तरह करके मैं पहली बार चला रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन जस्ट टू गिव इट अ ट्राई। ठीक है चल गया, ठीक है, तो ये हमने एक कुछ किया, मतलब जुगाड़ वगाड़ कुछ चलाया हमने। अच्छा अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई ना असल में यही काम कर रही होती है, सही है, लेकिन थोड़े सोफिस्टिकेटेड वे में। अच्छा वो सोफिस्टिकेटेड वे क्या है, वो सोफिस्टिकेटेड वे ये है, अरे वो कहाँ लिखा था मैंने उसको उड़ाऊँ सही में,
ये ना सेट को उड़ा दो मैं यहाँ से ज़रा। वो सोफिस्टिकेटेड वे क्या है, वो ये है कि आपने एक दफ़ा तो ये इस लॉगिन वहाँ से चेंज करवा दिया, लेकिन जब ऐप रिफ्रेश होगी तो क्या होगा, जब ऐप मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये सारे स्टेट वस्टेट ये तो सब उड़ जाते हैं, तो फिर वो इस लॉगिन में कैसे पकड़ूंगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या जब भी ऐप खोलूंगा मैं तो हर दफ़ा मैं लॉगिन के पेज पे जाऊंगा, वहाँ से मैं लॉगिन करूंगा फिर मैं डैशबोर्ड पे जाया करूंगा, या कोई ऐसा तरीका है कि मैं उस इस लॉगिन को प्रिजर्व कर लूं बाद में यूज़ करने के लिए। अच्छा, फिर अब एक प्रॉब्लम और ये है इसके अंदर, जो अभी जो मैंने तरीका किया उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको लॉगिन के पेज से उठा के मैं यहाँ तक तो उसको ले आता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ से उठा के ना ऐड प्रोडक्ट वाले पेज पे लेके जाना है, मैं वहाँ कैसे लेकर जाऊँगा। तो उसका तरीका ये हो सकता है कि इस लॉगिन को मैं जिस मिसाल के तौर पे ये गैलरी का पेज है, ये नेविगेट का पेज है, जो भी सारे पेजेस हैं, तो क्या मैं इन सब जगहों पे ऐसे इस लॉगिन को पास करता रहूँगा, ठीक है, हो जाएगा वैसे ही काम, ऐसे मैं सारे में पास करता रहूँगा तो मुझे सारे कंपोनेंट में जहाँ जहाँ पास किए होंगे वहाँ वहाँ मुझे मिलता रहेगा ये जब जब, बट दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट वे टू डू दैट। ये कितने कंपोनेंट में पास करूँगा, फिर मिसाल के तौर पे कोई मैंने नया कंपोनेंट बनाया तो क्या मैं रूटीन सेट करूँ कि जब जब मैं एक नया कंपोनेंट बनाऊँगा उसमें ये सारी चीज़ें पास करवानी है मैंने, नो नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जो थ्योरी है ना वो आपको समझ में आ गई है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई करता यही काम है एक्चुअली, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई असल में ये करता है कि जैसे ये ऐप का कंपोनेंट है ना, इस तरह से एक कंपोनेंट अलग से बनाता है जो सबका रूट होता है, ऐप का भी रूट होता है वो, ठीक है, और इंडेक्स का भी रूट होता है, प्रोवाइडर जहाँ पे हम लगाते हैं ना, प्रोवाइडर का मतलब होता है ये सबका रूट कंपोनेंट है, ठीक है, पप्पा है सबके वो। उस रूट कंपोनेंट के अंदर ना आप इस तरह के वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको एक एपीआई प्रोवाइड करता है, आपको एक तरीका प्रोवाइड करता है कि वो तमाम कंपोनेंट्स के अंदर आपको अवेलेबल हो जाती है वो चीज़, ठीक है, और किसी भी कंपोनेंट में रहते हुए आप उसको गेट कर सकते हैं और आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर एक इशू आता है, अभी थोड़ी सी मैं थ्योरी आपको बता रहा हूँ, इसमें एक इशू ये आता है कि गेट तो चलो सब कर रहे हैं ठीक है, लेकिन सारे एक साथ मिलके चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो मसला हो जाएगा, दो बंदे एक साथ चेंज कर रहे हैं, फिर मिसाल के तौर पे किसी ने इस लॉगिन का एल कैपिटल करके किया ट्रू, किसी ने बोला इस लॉगिन स्मॉल करके, तो ये तो कोई रूटीन सेट नहीं हुई, फिर तो पता चला वो कोई स्मॉल करके सेट कर रहा है कोई कैपिटल करके, वो तो फिर आप तो मसला हो जाएगा। उसके लिए हम ये करते हैं कि गेट करना तो सबके लिए हम रखते हैं नॉर्मल, कि वेरिएबल की तरह वो गेट होता है नॉर्मली, लेकिन जहाँ पे सेट करवाने की बात आती है ना, तो हम यहाँ पे जैसे सेट इज लॉगिन इस तरह से कॉल नहीं करते, उसको इस तरह से कॉल हम नहीं करते, हम ना उसके लिए एक बना लेते हैं फंक्शन। क्या मतलब, इस लॉगिन को मैं क्या करूँगा, एक तो सेट लॉगिन ट्रू करूँगा और सेट लॉगिन फॉल्स करूँगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, तो हम दो फंक्शन बना लेते हैं। हम कहते हैं यार ये फंक्शन कॉल करेगा जो भी करेगा, हाथ से चेंज करने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। तो जब भी मुझे इसको फॉल्स कराना होगा ना, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इज़ लॉगिन इक्वल्स टू फॉल्स, मैं ये बोलूँगा कि एक फंक्शन होगा मैं वो कॉल करूँगा, ठीक है, और दैट इज़ कॉल्ड रिड्यूसर्स, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रिड्यूसर्स। तो हम एक रिड्यूसर्स में बहुत लंबी एक लिस्ट होगी फंक्शंस की, और वो फंक्शन कॉल किया करेंगे हम जब भी हमें किसी वैल्यू को चेंज करवाना होगा, ठीक है, और गेट होगी वो नॉर्मल तरीके से जैसे स्टेट वेरिएबल गेट होता है। तो काइंड ऑफ आप ऐसे समझें कि जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है वो स्टेट वेरिएबल है, एक सिंपल स्टेट वेरिएबल, बट वो एक ऐसा स्टेट वेरिएबल है जो पूरी ऐप के हर कंपोनेंट में आपको अवेलेबल होता है, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कुछ लोगों के क्रिटिक्स हैं कि वो स्लो है, ठीक है, लेकिन शायद उनको उसको इस्तेमाल करना नहीं आता मेरे ख्याल में, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ऐप का एक कॉन्टेक्स्ट बनाएं, ज़रूरी नहीं है, आप मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है। जो लोग इस पे क्रिटिक्स करते हैं कि ये स्लो है, उनका मानना है कि भाई जब आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कोई एक वैल्यू चेंज करते हैं तो पूरी ऐप, यानी जिस जिस कंपोनेंट में आपने उसको पकड़ा हुआ है और इस्तेमाल किया हुआ है, वो सारे कंपोनेंट रीरेंडर होते हैं, उनका ये मतलब इस चीज़ को बोलते हैं वो। रिडक्स में समहाउ उन्होंने इस चीज़ को रिड्यूस किया हुआ है, कम किया हुआ है, लेकिन इस मेरा ये ख्याल है कि एक तो एट द सेम टाइम आपके स्क्रीन पे कितने कंपोनेंट हो सकते हैं,
अगर एक लॉगिन का पेज खोला हुआ है आपने या एक डैशबोर्ड का पेज खोला हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6, 10 कंपोनेंट होंगे आपकी पूरी स्क्रीन पर, ठीक है। तो उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना, अगर आपकी पूरी ऐप में 400 कंपोनेंट तो वो एक स्क्रीन पर कभी भी नहीं हो सकते। तो जो कंपोनेंट स्क्रीन पर मौजूद नहीं है वो पहली बात उसके रीलोड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जो स्क्रीन पर है वही रीलोड होगा। दूसरी बात ये कि कॉन्टेक्स्ट API में जैसे जो एग्जाम्पल्स बनी हुई हैं उसमें तो ये है कि एक कॉन्टेक्स्ट और वो पूरी ऐप में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें जैसे इज लॉगिन है, भाई इज लॉगिन तो फॉल्स होगा जबकि बंदा लॉग आउट हो गया, तो तब तो कहानी ख़त्म हो गई। तो इस तरह की वैल्यू आप रखते हैं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं जो तमाम कंपोनेंट्स में अवेलेबल होता है, लेकिन आप दो दो तीन तीन कंपोनेंट का जोड़ के भी अलग से कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ भरें। अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ भरने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली यही होगा कि आपकी जो ऐप है वो स्लो डाउन होगी, ठीक है। इसको इस्तेमाल करने का प्रॉपर तरीका ये है कि एक ग्लोबल बनेगा और ज़रूरत पड़ने पे मज़ीद कॉन्टेक्स्ट बनेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम फेसबुक की ऐप की मिसाल लेते हैं तो उसमें जो सेटिंग वगैरह के पेजेस हैं वो तो बिल्कुल अलग पार्ट है एप्लीकेशन का, तो वहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली अलग होगा। फिर एक हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का एक कॉन्टेक्स्ट होगा अलग, ग्लोबल है एक अपना वो खड़ा हुआ है ग्लोबल, उसको हम नहीं कुछ बोल रहे, उसमें इज लॉगिन ट्रू सेट हुआ हुआ है। लेकिन मेरे जो होम पेज है ना डैशबोर्ड, उसमें तकरीबन 6-7 कंपोनेंट तो होते ही हैं फेसबुक वाले में अलग अलग, तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट भी हम डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेल, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश हमारी ये होगी कि इसी फ्रंट एंड की ऐप में सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट API का सेटअप बनाएं, और ये जो इज लॉगिन वाली वैल्यू है ना हम वहाँ पे ट्रू करेंगे तो पूरी ऐप को पता चल जाएगा कि लॉगिन ट्रू हो गया, और पूरी ऐप में जहाँ जहाँ लॉजिक्स होंगी ना कि भाई नेविगेशन बार चेंज करो, ये चेंज करो, सब चीज़ें लॉगिन के हिसाब से ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, ठीक है। और फिर हम रिड्यूसर सेट करेंगे लॉगिन लॉगआउट करवाने का, और उसके बाद हमारी जो ऐड प्रोडक्ट वगैरह वाली API है वो हम कॉल करेंगे, तो हमारी ऐप ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऐप खुलते ही लॉगिन की स्क्रीन, लॉगिन जैसे ही करेंगे ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट वगैरह करेंगे हम, लॉग आउट कर देंगे, ख़त्म, ठीक है। फिर हम इस चीज़ को भी हैंडल करने की कोशिश करेंगे कॉन्टेक्स्ट API के कॉन्टेक्स्ट में, कि जैसे ही मैं ऐप को खोलता हूँ तो अगर बंदा पहले से लॉगिन है और ब्राउज़र के अंदर वैलिड कुकी मौजूद है तो उसको लॉगिन की स्क्रीन पर रुकना ना पड़े, ठीक है। इस चीज़ को भी हम कोशिश करेंगे हैंडल करने की कि वो डायरेक्ट कहाँ चला जाए, वो डायरेक्ट डैशबोर्ड के ऊपर जाए। इस चीज़ को कैसे करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। कोशिश करना कि इतना बना लो भाई, ताकि कोई अगर एरर्स हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो तो उसको एड्रेस किया जा सके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़।